तो आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पुष्करणा अंकल से करेंगे। पुष्करणा अंकल, आप आएं और सत्संग की शुरुआत करें। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा के दिन पूरी संगत को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जो शुरुआत करते हैं इससे के अपनी मेहर कर जगत जलंदा रख ले। जो आज का समय चल रहा है बड़ा टफ समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो गुरु जी से यही प्रार्थना है कि पूरे पूरी सृष्टि को अपनी शरण में लें और इससे निजात पाएं सब और सारे सुखी बने। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई सत्संग दैट गुरु जी ने कैसे हमें अपनी शरण में लिया। क्योंकि जब तक गुरु जी अलाउ नहीं करते, हम में से किसी की औकात नहीं है कि गुरु जी के वहां हम लोग जा पाए और उस दहलीज को भी पार कर पाए। सो मेरे मेरे को ये अपॉर्चुनिटी 2004 में मिली। हम लोग गए थे एक मंदिर की, हमारी एक ट्रस्ट थी उसके लिए, कमांडर शर्मा के थ्रू से हम फर्स्ट टाइम गए थे ब्लेसिंग लेने के लिए कि वो प्लॉट उनकी कृपा से हमें अलॉट हो जाए। तो एक हम सेक्टर 56 में एक कन्वेंशनल मंदिर बनाना चाहते थे। तो दैट इज हाउ वी हैव बीन टू गुरु जी। अब मैं बताता हूँ कि हमारी जो गुरु जी के पास एंट्री प्लान करी थी गुरु जी ने, वो थी 22 जुलाई 2004। लेकिन उस समय उतनी समझ नहीं होती, तो जब मेरे पास ये कॉल आई तो वो मेरा बर्थडे का दिन होता है। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत लंबा चौड़ा कहीं हमारा प्रोग्राम था, बट आई टोल्ड शर्मा अंकल के फिर चलते हैं किसी दिन, आज थोड़ा मैं इंगेज हूँ। लेकिन जब बाद में मुझे पता लगा तो इस बात का बहुत अफसोस हुआ। जब 6 महीने साल तक, रादर 1 महीने में हमें गुरु जी ने इतना कुछ दिखा दिया था, तो वो एक रिजेंटमेंट जरूर रही। सो 22 जुलाई को नहीं जाके हम लोग गुरु जी के दर्शन जो मैंने फर्स्ट टाइम करे वो नेक्स्ट वीक थर्सडे 29 जुलाई को करे। और उससे पहले 25 जुलाई को मदान अंकल के घर हमने एक सत्संग अटेंड करा। तो थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ करा। तो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं कि गुरु जी पहले आपको तैयार करते हैं, इससे पहले शायद मेरे पास कॉल आती तो मैं मना कर देता। तो मैंने एक दिसंबर में एक बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और पढ़ने के बाद फिर मैं डेस्परेट हो गया था कि गुरु तो होना ही चाहिए। पर जो मैंने पढ़ा था तो वो तो गुरु नहीं थे। तो देन ये जब कॉल आई तो मेरे को, जब कमांडर शर्मा कुछ सत्संग सुना रहे थे, तो मैं फटाफट हाँ जी हाँ जी करे जा रहा था, क्योंकि ऐसे सिमिलर सत्संग बहुत सारे मैंने उसमें पढ़े थे। सो जब मदान अंकल के घर हम लोग सत्संग पे गए, फर्स्ट सत्संग पे 25 जुलाई को, तो बड़ा अच्छा लगा। जब गुरु जी का फोटोग्राफ लगा हुआ था, लोग नतमस्तक हो रहे थे ऐसे कि जैसे साक्षात ईश्वर बैठे हों, और लोगों ने अपने सत्संग शेयर करे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय मेरे को ये उतनी समझ में नहीं आई। मेरे मन में एक सवाल आया कि ये तो ठीक है कि गुरु जी ने इसको ठीक करा, इसका कैंसर ठीक करा, इसकी ये प्रॉब्लम ठीक करी, ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। रादर एक स्टेप और नीचे चले जाऊं मैं अपने आप, तो ऐसा भी उस समय लगा कि ये क्या गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है। ऐसे 2 4 5 लोगों को खड़ा कर देते होंगे और उनको बताते होंगे भाई कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी सुनाते रहो। लेकिन ये बात मैंने शर्मा अंकल से शेयर नहीं करी। बट गुरुजी ने मेरे साथ 3 से 4 वीक में इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि 4 हफ्ते के बाद अगले सत्संग पे मैं हाथ खड़ा करके वो था कि मुझे भी अपना सत्संग शेयर करना है। आई क्विकली ब्रीफ दिस 3 4 वीक्स। तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग गुरु जी के पास गए 29 जुलाई को, तो मतलब एक तो इन्वायरमेंट इतना वंडरफुल लगा। आई गॉट पंजाब आउट ऑफ पंजाब, मैं पंजाब से हूँ, और यहाँ मैंने जब इन्वायरमेंट में देखा, शब्द गुरबानी चल रही है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, इतना शानदार इन्वायरमेंट है। और इसमें जब लंगर प्रसाद हुआ, 4 लोग एक ही थाली में खा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई कास्ट क्रीड, हर तरह के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग धर्मों के लोग वहां पे आते, तो ये तो एक बहुत ही वंडरफुल इन्वायरमेंट लगा। तो जिसको कहते हैं ना कि एक शब्द आता है कि बिन बोले सबके जानदा कि सागे कीजिए अरदास। तो जब हम गए वहां पे तो जैसे गुरु जी एक नजर में देख के ही, एक एक शब्द आता है नदरो नदरी नदर निहाल करना, कि जस्ट एक बार देख लिया तो हो गया। अब इसका मैं एनालॉग देता हूं आज के युग में, कि
कि आज से 50 साल पहले हम बात करते कि सामने एक इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, या ऐसी कोई चीज है कि जिसको दूर से ही बंद करा जा सकता है या चालू करा जा सकता है, तो किसी के समझ में नहीं आती। लेकिन आज वो लॉजिकल है, आज हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस देखते हैं, और इससे ऊपर की टेक्नोलॉजी जो है, जब यहां से साइंस खत्म होती है, तो वो टेक्नोलॉजी है कि गुरु एक नजर मार दें तो उसी में आपका कल्याण कर देते हैं और आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ, जब हम पहुंच गए तो गए थे जब मंदिर के लिए, तो पहले दिन बात हुई गुरुजी से, ऐसे ऐसे करके मंदिर के लिए आए, ही सेड ब्लेस्ड। तो कमांडर शर्मा तो बाहर आके इतने वो खुश थे कि जैसे कि मंदिर अलॉट भी हो गया, जगह अलॉट भी होगी, मंदिर बन भी गया। मेरे को भी उतना नहीं समझ में आता, मेरे अपने बट चल रहे थे। सो घर आके मैंने अपनी आंटी को बताया, अपनी वाइफ को, गुरु जी के यहाँ सब अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने कहा ऐसी जगह देखी एक तो चलेंगे, शी सेड व्हाई नॉट। तो हम लोग अपनी कोई सी भी प्रॉब्लम लेके गुरु जी के पास नहीं गए थे, सिर्फ उस टेम्पल के लिए गए थे। और सब्सिक्वेंटली आंटी को भी जगह बहुत अच्छी लगी, इतना पीस और इतना बढ़िया, बोले ऐसी जगह तो मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी, मन ही नहीं लग रहा था गुड़गांव में। एनीवे, अब पहले दिन आने के बाद हमें जब बाहर निकले, उस समय आज आराम से फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं, लेकिन गुरुजी की फोटोग्राफ उस समय मंदिर से ही मिलती थी और गुरुजी की ब्लेस उससे मिलती थी। तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि सेकंड विजिट भी हमारे पास A4 साइज की गुरुजी की फोटोग्राफ हमें मिल गई, लेकिन तब तक हमने उनको भगवान नहीं माना था। हर घर में एक मंदिर होता है, तो मैंने आके ऑनेस्टली स्पीकिंग के मंदिर के अंदर भी नहीं रखी, ऐसे ऊपर करके एक फोटोग्राफ को गुरु जी की रख दी। एंड सिलसिला चलता रहा, सत्संग सुने हुए थे कि गुरु जी के पास जाने से कैसे कल्याण हो जाता है, गुरु जी की फोटोग्राफ भी घर आ जाए कैसे कल्याण हो जाता है। मेरी वाइफ की एक प्रॉब्लम चल रही थी 7-8 साल से, हम झेल रहे थे उसको, और 2003 में उसकी हमने सर्जरी करा दी थी। दिस वॉज ए गायनी प्रॉब्लम, हिस्टेरेक्टमी होगी इनकी, लेकिन इनकी प्रॉब्लम अभी उसके बाद भी, सर्जरी के बाद खत्म नहीं हुई थी। हर महीने 2 महीने में हम पैथी बदलते रहते थे, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदी, एंड अगेन घूम के, बट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी कि अभी सर्जरी भी होगी फिर भी प्रॉब्लम क्या है। गुरु जी के पास जाने के बाद 3rd और 4th डे इनको इतनी ज्यादा स्वियर पेन हुई, रात को इतनी स्वियर पेन हुई कि डॉक्टर्स की हम बैटरी ऑफ टेस्ट करा के वी केम टू नो कि जो सर्जरी हुई थी वो उसमें से एक ओवरी की साइड की प्रॉपर नहीं हुई थी और वहां एक बहुत बड़ा मास बना हुआ है। लेकिन गुरु जी के पास जाने से पहले हमने 10 दिन पहले भी एक वो करवाई थी अल्ट्रासाउंड, और उसमें कुछ भी नहीं आया, बट गुरु जी के पास जाने के बाद उसमें जो क्लैरिटी आई सब्जेक्ट की कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए एक और सर्जरी लाइंड अप है मेजर। एनीवे, सो वी वर लाइंड अप फॉर ए मेजर सर्जरी, और तब जाके जिस डॉक्टर के पास गए रश करके, उसने बोला यहां नहीं होगी, अपोलो में होगी, वहां की डेट डॉक्टर साहब ने फिक्स कर दी। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली उससे पहले, जब तक अपोलो की डेट फिक्स नहीं हुई थी गुरु जी के पास जाने की, तो मेरी मेरी वाइफ ने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना करी, मतलब फिजिकल आमने सामने नहीं, कि गुरु जी अब बहुत ज्यादा दिक्कत होती सर्जरी में, तो आप इसको इससे ठीक कर दें, सर्जरी के लिए तब तक फिक्स हो गया था, इसको मेडिसिन से ठीक कर दें। एनीवे, बाहर आए, उसके बाद डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने सर्जरी पे बहुत जोर डाला, उसने बोला नहीं सर्जरी से फर्स्ट। सब्सिक्वेंटली एक गुड़गांव में जो सत्संग होता था, महीने में सिर्फ एक होता था गुरुजी की आज्ञा से, उस महीने अगस्त में एक सत्संग भाटिया आंटी के घर और हुआ 15 अगस्त को गुरुजी की आज्ञा से। और जब मैं उस सत्संग में गया, आंटी मेरी नहीं गई, उसने कहा नहीं आप जाओ, तो वहां जो पहला सत्संग शेयर हुआ वो एक ढिल्लन आंटी थी, यंग आंटी, अराउंड 28 ईयर ओल्ड, और उनकी ऐसी एक प्रॉब्लम थी ओवेरियन सिस्ट की। तो वो शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे करके मैं गई थी और मेरा वो दोबारा गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो ब्रस्ट हो गया, नो सर्जरी रिक्वायर्ड, जैसे गुरुजी मेरे को एक इंडिकेशन दे रहे हो। वहां से आके हम लोग एक ऑल्टरनेट ओपिनियन के लिए गए, और डॉक्टर का वही कहना था जो पहले डॉक्टर ने बोला। तो आई टोल्ड डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप 10 दिन पहले रिपोर्ट्स देख रहे हो ये, सो वाई डोंट वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड राइट अवे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस हैं। कहते वाई नॉट। तो संगत जी वो हमने अल्ट्रासाउंड वहां किया, एंड थैंक यू गुरु जी कि जो इनका इतना बड़ा मास बना हुआ था अंदर, और किडनी डबल साइज की थी स्वोलन, तो वो मास 70% रिड्यूस हो गया था वॉल्यूमेट्रिक, और जो किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल। एंड डॉक्टर ने देखने के बाद वही शब्द बोले जो आंटी ने गुरु जी से मांगे थे, शी सेड के
दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ये सारा कुछ हमारे साथ गुरु जी के पास जाने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो गया। एंड दिस वॉज अवर स्टार्टिंग। एंड जैसे मैं सोच रहा था कि सब्सिक्वेंटली मेरे को समझ में आया कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले का कैसे गुरु जी क्रियान करते हैं। जो मेरे मन में क्वेश्चन था कि ये क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो 4 हफ्ते बाद मैं भी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। एंड मैं हंस रहा था अपने मन में, मन ही मन, कि गुरु जी क्या किया। गुरु जी ने 4 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे साथ ये करके दिखा दिया कि जिसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो मतलब डे इन डे आउट सत्संग है, स्टार्टिंग हमारी इस तरह से हुई। और जो मंदिर के लिए जिसके लिए गए थे वो मंदिर का भी प्लॉट अलॉट हो गया, वो मंदिर अपनी जगह बन गया। लेकिन 4-6 महीने में मेरा गुरु जी के साथ जुड़ाव के बाद मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। मेरे जो ट्रस्टीज थे, ट्रस्ट वाले, वो मेरे से नाराज भी होते थे कि तू आता नहीं आजकल। तो मैंने कहा वो मेरी जो परमात्मा को फाइंड करने वाली जो रेस थी जिसमें मैं लगा हुआ था, तो वो मेरी पूरी हो गई है। तो गुरु जी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप में वो परमात्मा के दर्शन कर लिए। एंड उसके पहले मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा एक रूटीन होता था एक पाठ पूजा का। तो एक दिन गुरु जी की फोटोग्राफ के सामने खड़े होकर मैंने हाथ जोड़े कि आज से मेरी माता भी आप हो, शेरावाली भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, राम जी भी आप हो, कृष्ण जी भी आप हो। अगर गॉड को किसी भी फॉर्मेट में मैं पूछता था तो वो आज से मेरे लिए वो आप हो, गॉड से एक स्टेप भी नीचे नहीं। सो यू आर माई अल्टीमेट गॉड। सो दिस इज हाउ गुरु जी ने मेरे को अपनी शरण में लिया, उस आदमी को जो कि शायद जो ह्यूमन फॉर्म में किसी को गुरु मानने वाले डोमेन में कभी भी नहीं था। तो उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गुरु जी ने तो मेरे को मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था 22 जुलाई को, और लेकिन आई मिस दैट। सो आज गुरु पूर्णिमा है तो उससे रिलेटेड सत्संग में शेयर करता हूं। गुरु पूर्णिमा का फंक्शन जो बड़े मंदिर में शुरू हुआ था वो 2005 में शुरू हुआ था। 2004 में मेरा जाना हुआ गुरु जी के पास, और 2005 में पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ था। और उस दिन डेट थी 21 जुलाई। सो 21 जुलाई में रात को फंक्शन शुरू हुआ। रात को 12-1-2 बजे नीलम आंटी आई हुई थी, सारा प्रोग्राम चल रहा था। तो रात 12 बजे तो मेरे को समझ आई कि यस, एक जो मेरी विश थी कि गुरु जी ये बर्थडे मेरा आपके चरणों में होना चाहिए, तो गुरु जी ने वो इतने शॉर्ट टाइम में उसको पूरा कर दिया कि जो मेरा 2005 का बर्थडे था वो गुरु जी के बड़े मंदिर में 12 बजे हुआ। सो ऐसे वो मतलब जानी जान है, मतलब हर चीज आपकी वो जानते हैं। सो गुरु जी के पास आने के बाद तो एक तो फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब इस तरह से गुरु जी कवर करते हैं। गुरु जी ये सोचते हैं कि मेरे पास एक भी आदमी आ जाता है ना फैमिली का, मैं पूरी फैमिली को, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को, उसके पूरे सर्कल को अपनी छत्र छाया के अंडर ले लेता हूँ। एंड दिस एग्जैक्टली हैपन लाइक दिस, के हमारी फैमिली पूरे जाना शुरू होगी, मेरे पेरेंट्स जाने शुरू हो गए, मेरे इन लॉज, मेरे भाई साहब, आई मीन जैसे जैसे एक एक करके गुरु जी ने एंट्री देनी थी सबको एंट्री दी। और सबके पास अपने अपने इतने सत्संग हैं, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है गुरु जी की कि जिसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, हमारी जीवा बहुत कम पड़ जाती है। और एक जो आता है ना कि शब्द एक बड़ा सुंदर आता है, मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। तो आज बहुत कृपा गुरु जी की कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन आज सत्संग की सेवा मुझे बख्शी है। तो हर का जस करना, उस हरि की यश को गाना, यही सत्संग है। सत्संग क्या है कि हमारे साथ गुरु जी ने जो कुछ करा है और सत उसमें सच्चाई है, पूरी टोटल सच्चाई की बात है। और उसमें जब आप दूसरे अपने साथियों से, अपनी संगत से शेयर करते हो, सो दैट इज बेसिकली सत्संग। और जो हरि की आप गुणगान करते हो, प्रभु के गुणगान करते हो, तो गुरु जी हमारे लिए ईश्वर है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। मेरे अपने उसमें 2 बार गुरु जी ने कल्याण करा मेरी हेल्थ के केस में। मेरे को एक बार 2008 में और एक बार 2014 में।
मेरे को दो बार, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड पे फेशियल पैरालिटिक अटैक हुए। जब फर्स्ट टाइम पैरालिटिक अटैक हुआ तो इस लेवल का था कि मेरी लेफ्ट साइड की च्यूइंग जो है वो बंद हो गई, मतलब मैं च्यू नहीं कर पाता था लेफ्ट साइड पे। मेरे कुछ वर्ड्स मिस होने शुरू हो गए थे, पी जी मैं ढंग से बोल नहीं पाता था और फेस एक तरफ चले जाता है। बट गुरु जी की इतनी कृपा रही कि ये प्रॉब्लम आई और विद इन वीक 10 डेज गुरु जी ने इसको रिजॉल्व कर दिया। कैसे बड़े मंदिर गए, वहां पे जब मेरे को हो रखा था ये पैरालिटिक अटैक और आंटी को भी नहीं बताया था मैंने, और मंडे था तो मैंने कहा मंदिर चलते हैं, और एक टूर अंकल के यहाँ सत्संग भी था तो मैं कहा वहां से सत्संग में चलेंगे। तो मंदिर में बैठ के गुरु जी से कुछ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक मैंने छोटी सी बात बोली गुरु जी से, मैंने कहा गुरु जी आज मेरे को ना समोसा प्रसाद जो है ना वो नहीं देना, मेरे से खाया नहीं जाना और आंटी ने पकड़ लेना कि ये एक साइड पे ये चो नहीं कर रहा। वही बात है, समोसा प्रसाद तो नहीं, लेकिन जब बाहर आई तो आंटी को भी मिला, आंटी ने आधा रख के आधा प्रसाद मेरे लिए रखा था क्योंकि तुरंकर के पास जाके लंगर भी करना था। तो जब मैंने वो खाना शुरू करा तो पकड़ आ गई सब कि भाई व्हाट इज दिस। लेकिन वो उतने में कल्याण गुरु जी ने कर दिया, जब आके सारी ब्रेन की स्कैनिंग हुई, सब सेफर साइड में थे एंड हफ्ते 10 दिन में गुरु जी ने रिजोल्व कर दिया। और अगले हफ्ते जब मंडे को हम लोग मंदिर जा रहे थे तो एक शब्द चल रहा था गाड़ी में हमारी, क्यों सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और गुड़गांव से लेके मंदिर तक वो चलता रहा रिपीट मोड में। और जितनी बार भी सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो मंदिर तक जाते जाते मेरे जो भी वर्ड्स जो मिसिंग थे, जो मैं नहीं बोल पा रहा था, पी पी ढंग से नहीं बोल पा रहा था, एस ढंग से नहीं बोल पा रहा था, जी ढंग से नहीं बोल पा रहा था, मंदिर तक जाते जाते टोटल साफ हो गए। सो दिस इज गुरु जी ब्लेसिंग। अगर आज मैं स्माइल कर पाता हूँ, बोल पाता हूँ ढंग के साथ, तो ये गुरु जी की कृपा है। और सेकेंड बार ये अटैक 2014 में हुआ ऑन द राइट साइड, अगेन विद इन ए वीक टाइम गुरु जी रिजॉल्व इट। बहुत सारी संगत को जो हमारे आस पास संगत होती है उनको मालूम भी नहीं था कि इसको पैरालिटिक अटैक्स आए थे, स्पेशल पैरालिटिक। सो गुरु जी के पास जाने के बाद जो आज हम जहां पे भी हैं, हमारे हमारे हेल्थ इश्यूज, सबसे पहले तो वो गुरु जी आपकी लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, रिलेशंस को ठीक ठक करके देते हैं, इमोशंस को ठीक ठक करके देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गुरु जी ने हमें प्रदान करते हैं। देन इट इज लाइक दैट के जो बच्चों का ध्यान रखते हैं, मतलब बच्चों के आपके पढ़ाई लिखाई का, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का, शादी का, मतलब यू नेम इट, टोटल कवरेज, टोटल। सो मैं अपनी बिटिया का एक सत्संग सुनाता हूँ। वो प्लस टू कर रही थी, तो प्लस टू वॉज इंजीनियरिंग ड्रीम में था, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में था। तो एक बार एक लोग हम एक गुरु जी ने एक शादी पे भेजा, कभी कभी शादी पे भेज देते थे, तीन चार लोग हम जा रहे थे, कमांडर शर्मा, कमांडर नागपाल, विंग कमांडर अरोरा और मैं। तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से बात शुरू हो गई अबाउट कैरियर, पायलट एज ए कैरियर। चलिए उसमें वापस आया तो मैंने अपनी बिटिया के साथ डिस्कस करा, तो इसका इंजीनियरिंग में कोई खास मन नहीं चल रहा था, तो इसको समझ आ गई 2 दिन में कि यस मेरे को पायलट बनना है। अब पायलट बनना है तो फिर गुरुजी से एक बार परमिशन लेनी। तो इट वाज 14th of May 2007, गुरुजी उस समय बड़े मंदिर आए हुए थे और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, बट गए हम लोग तो देखा सामने गुरुजी है। तो उस समय मैंने गुरुजी से, मेरी बिटिया ने बोला गुरुजी से पूछ लो, अभी मैंने मुंह से इतना ही निकाला था गुरुजी, तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट मारी कि कितनी बारी क्या पूछीदा नहीं होता। आई सेड आई लुक्ड एट माय डॉटर, क्या मैंने भी यही बोला था कि पूछीदा नहीं, बट ही सेड इससे पहले कि हम मुड़ के आते तो गुरुजी ने मेरी डॉटर की तरफ देख के बोला अच्छा तू छोटे मंदिर पूछना। एनीवे अब मैं तो अगले हफ्ते भी पूछने के मूड में नहीं था, बट इन्होंने फिर मेरे को पुश करा मेरी डॉटर ने कि गुरुजी ने ये भी तो बोला था कि अगले हफ्ते पूछना। एनीवे वी वेंट टू द गुरुजी, उनसे प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे करके इसको पायलट बनाना चाहते हैं तो आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुजी परमिटेड। सो वंस ही परमिटेड, तो उसके बाद पायलट बनना तो इसका खैर तय था, लेकिन पायलट बनने के बाद जो अगर कुछ इश्यूज आए तो वो इतने मतलब शांति के साथ निकल गए, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्विकली। तो गुरुजी की कृपा से ये इसने पायलट के ट्रेनिंग प्रोग्राम करे।
उसका लंबे सत्संग है कभी, जैस्मिन, मेरी डॉटर का नाम जैस्मिन है, उसे बोलूंगा वो शेयर करेगी कभी। बट वो पायलट होने के बाद क्या हो गया कि एक रिसेशन आ गया उस समय, बहुत तगड़ा, इतना तगड़ा रिसेशन था। शी कंप्लीटेड हर पायलट स्टडी 2009, एविएशन में बहुत इतना बड़ा रिसेशन था कि 5 साल तक इसके पास जॉब नहीं थी। लेकिन गुरुजी से कभी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी कि जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उचित ही करेंगे। तो गुरुजी उस समय क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को, मतलब दैट इज अमेजिंग। तो जो पेशेंस गुरुजी ने इस समय उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इसको सिखाई लाइफ में, वो इतना बड़ा सेट है कि जब आपके पास जॉब नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन के लेवल कितने आते हैं, उस समय आप गुरु के साथ जुड़े होते हो, सत्संग में जाते हो, मंदिर जाते हो, और कैसे गुरुजी आपकी इमोशनल ग्रोथ करते हैं। सो दैट इज ए फैंटास्टिक फिनोमेना हमारी लाइफ में जो गुरुजी ने दिया। अदरवाइज तो मतलब एक शब्द आता है सदा मसूम ठाकर का, जे तू ना फड़दा साडी बाह असान रोल जाना सी। तो लिटरली अगर हम गुरुजी के पास नहीं आए होते तो हम तो सड़कों पे होते, क्योंकि जैसी जैसी हालात में से निकले टाइम टू टाइम, और अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती तो सिचुएशंस बिकम सो डिफिकल्ट। तो वो गुरुजी ने इतना इतना ज्यादा इसको बूस्ट करके रखा, और जब गुरुजी ने 2014 में इसको अगली इसकी स्टडीज करवाई, बिकॉज एयरबस के ऊपर स्टडी कराई जो कि गुड़गांव में कराई बड़े जहाज के लिए, उसके बाद जॉब भी दी, और जॉब और मैरिज ये दोनों बैक टू बैक दी। अगर अगर इस महीने एक्स महीने जॉब हुई है तो आफ्टर फॉर एग्जांपल इसकी अप्रैल में जॉब आ गई थी, और मई में जाके इसका मई जून में जो एंगेजमेंट हो गया। सो कैसे वो टेक केयर करते हैं, और कई बार तो गुरुजी के जो कई वचन या उनके जो इनके साथ रिलेटेड चीजें होती है कई बार 10-10 साल बाद जाके समझ में आती। तो मैं अपनी बिटिया के केस में बताता हूँ, एक 2006 में जब गुरुजी गुड़गांव आए ब्लेस करने के लिए, तो ये किसी वजह से ये नहीं जा पाई, इसके स्कूल में कोई फंक्शन था। तो उस रात को गुरुजी इसको ड्रीम में क्या दिखाते हैं, ऐसे मन में सोचा था कि इसने कि गुरुजी कभी मेरे साथ भी डांस करो, संगत जैसे डांस करती है। तो गुरुजी इसके सपने में आते हैं, और पहले अपने आप को, ये छोटी थी हाइट में, तो गुरुजी ने अपने को इसकी हाइट के बराबर करा, एंड गुरुजी वाजी ने गुजराती ड्रेस और डांडिया लेके आए, चार दो इसके हाथ में दिए और दो खुद पकड़े, और गुरुजी ऐसे कई बार आंख से इशारा करते थे, ऐसे करके आईब्रो ऊपर उठाया और इशारा इसको करता कि चल आ जा। वो डांस हुआ अच्छे से आधा पौना घंटा, और डांस करने के बाद चले गए गुरुजी। तो जब इसने हमारे साथ शेयर करा वापस ऐसे ऐसे करके गुरु जी आए, कि सर मेरे मन में तो था कि गुरु जी मेरे साथ डांस करें, तो लेकिन कहती मैंने, वो गुरु जी तो पंजाबी हैं, तो मैं तो सोच रही थी कभी भंगड़ा भंगड़ा करेंगे आके, और ये क्या गुरु जी तो गुजराती ड्रेस में आए और डांडिया करने लगे। तो ये बात उस समय नहीं समझ में आई कि गुरु जी ने ऐसा क्यों करा, वो गुजराती ड्रेस पहन कर क्यों आए, पंजाबी क्यों नहीं। तो जब इसकी शादी का समय आया तो उस समय जाके ये चीजें अनफोल्ड हुई। दी बॉय जिसके साथ इसकी शादी हुई, तो ही इज फ्रॉम गुजरात। तो जब प्रपोजल आई, डिस्कशन में थी, तो हमें कोई समय नहीं लगा उसको अप्रूव करने में, ना ही हमें जाके कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज गुरुजी ने पहले से एक इंडिकेशन 10 साल पहले दे दी थी, 10-11 साल पहले, ही हैज ब्लेस्ड गुजरात। सो इट इज इनडायरेक्ट इंडिकेशन वॉज विद अस के जब गुरुजी ने गुजराती ड्रेस में दिखाया और गुजरात में रिश्ता हो रहा है, डन। सो दिस इज हाउ कि कई बार गुरुजी की ऐसी करी हुई चीजें आपको 10-11-12 साल बाद भी समझ में आती है। तो अच्छे उसमें परिवार में शादी हुई है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और एविएशन फील्ड से हैं इनके, मेरी डॉटर के फादर इन लॉ जो हैं हमारे समधी, तो वो एयर इंडिया में चीफ इंजीनियर थे। तो जिस तरह से गुरुजी मिलाते हैं, ताकि जैसे अगर नॉन एविएशन फैमिली में जाती तो शायद एविएशन के जो चैलेंजेस हैं उसको उतना बढ़िया अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वो लोग, बट वो फैमिली जो है टोटल जो है अंडरस्टैंड करती चीज़ों को। तो किस तरह से फैंटास्टिक तरीके से गुरुजी ये सब देते हैं। सो लाइफ जो है गुरुजी ने इतनी वंडरफुल कर रखी है, जर्नी हमारी इतनी पीसफुल कर रखी है, और जो कुछ आज हमारे पास है दैट इज ऑल ड्यू टू गुरुजी, ऑल ड्यू टू गुरुजी।
और हमारी लाइफ अपने आप में एक सत्संग है। सो नेक्स्ट टाइम कभी उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए जो टाइम स्लॉट था, आई अंडरस्टैंड के आज के टाइम स्लॉट के हिसाब से मैं आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और पूरी सारी संगत को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु जी। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अनिल चोपड़ा अंकल, अनिल चोपड़ा अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी और सारी संगत को गुरु पूर्णिमा शुभकामनाएं, और बहुत खुशी है कि मैं फिर सत्संग सुना पा रहा हूँ। गुरु जी ने मेनू क्या सिखा कि चोपड़ा 1000 बार तूने सत्संग सुनाना है, और मैं संगत को बताना चाहता हूँ कि मेरे अभी 250 या 260 बार ही हुए हैं, तो अभी बहुत और बार मेरे को सत्संग सुनाना है। और गुरु जी की शुरू से बड़ी मेहर है, हम सब पे है, सारी संगत पे है। और 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, और हेपेटाइटिस बी का तब भी इलाज नहीं था, आज भी कोई इलाज नहीं है, कोई दवाइयां हैं जो खाने से प्रिवेंट कर सकते हो, मगर अगर हो जाए तो फिर भगवान ही उसको ठीक कर सकता है। मेरे कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मैं मिलिट्री में हूँ, R&R हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मुझे DILIS पे डाल दिया था। DILIS का मतलब है डेंजरस की इल, यानी कि किसी टाइम भी आप जा सकते हो। तो मैं, मेरे को डॉक्टरों ने यह भी बताया कि तरह तरह के अल्टरनेट थेरेपीज भी आप ट्राई करो, तो मैं बहुत लोगों के पास गया, मैंने किसी ने मुझे माला पहना दी, मैंने आयुर्वेदा किया, होम्योपैथी की, बहुत कुछ किया। पर एक महीना मेरा ये जो बिलुरुबिन काउंट है जो 22 हो गया था, अब 12 के ऊपर अगर ये काउंट हो जाता है तो डेंजरस होता है, उसके बाद लाइफ को डेंजर शुरू हो जाता है। एक महीना हो गया था तो तब मेरे पास एक लेडी आई जो गुरु जी की भगत थी और जलंधर से उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि एक गुरुजी आए हैं, पहली बार उन्होंने दिल्ली में आके अपना मंदिर जैसे शुरू किया है, तो आप उनके पास चलोगे? तो मैंने इमिजिएटली उनको कहा कि मैं जरूर चलूंगा। उस शाम को वो अपनी कार में आई, वो एक एयर मार्शल की वाइफ थी, और मुझको कार में बिठा के ले गए। ग्रेटर कैलाश में बेसमेंट में गुरुजी बैठते थे, संगत भी तब इतनी बड़ी नहीं थी। मैं बेसमेंट की सीढ़ियां उतरा, सामने मैंने देखा गुरुजी बैठे हैं। मैं गुरुजी की शक्ल की तरफ देखता गया और उनकी तरफ चलता गया। जब मैं नजदीक पहुंचा तो जो लेडी मुझको लेके आई थी, उन्होंने गुरु जी के कान में कुछ बोला, मैंने गुरु जी के पांव छुए और गुरु जी ने इमिजिएटली कह दिया, चोपड़ा तेनू मैं ठीक कर देता। आई थॉट इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग कि पहली बार मैं इस आश्रम में कदम ले रहा हूं और पांव छुए और गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया। मगर मैं बहुत थका हुआ था। जब हेपेटाइटिस बी होता है तो डॉक्टर ने कहा है कि अपने बेड से भी उठना है तो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठना है, नहीं तो लेटे रहना है, दैट इज दी रिक्वायरमेंट। तो मैं वहां, गुरु जी ने कहा उठे बैठा, तो मैं बैठ गया दीवार के साथ अपना पीठ लगा के, अबाउट 8-10 feet अवे फ्रॉम गुरु जी, द हॉल वॉज नॉट सो बिग। तो गुरु जी ने थोड़ी देर बाद अमृत बनाना शुरू किया। वो अमृत बनाते थे ग्लास के अंदर अपनी माला के साथ, सैंडलवुड की माला थी गुरु जी की, उन्होंने अमृत बनाया और सबसे पहला ग्लास मुझे दिया। फिर बनाते गए और बारी बारी लोगों को भी देते गए, मगर मुझको उन्होंने 8 ग्लास अमृत के पिला। आप जान सकते हैं कि एक टम्बलर 250 ग्राम का, उसको मिलीलीटर का, उसको पीने में इतनी आसानी नहीं होती, मगर मैं 8 ग्लास पी गया अमृत के। उसके बाद जल्दी लंगर शुरू हो गया, थोड़े ही लोग थे और गुरुजी मेरे पास आके खड़े हो गए, और मेरे को साथ जो मेरे को लेके गई थी लेडी, वो खुद एक डॉक्टर थी,
उन्होंने मुझको कहा कि देखो एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज बताना है कि ये देसी घी का लंगर है और उसमें आपके लिए ये खाना बिल्कुल मेडिकली इज नॉट करेक्ट, मगर चॉइस आपकी है। तो मैंने कहा नहीं मैं खाऊंगा, मैंने खाना शुरू किया। दो रोटियां खाते थे, मैंने लंगर की दो रोटियां खा ली। गुरुजी खड़े रहे मेरे सामने, उन्होंने देखा मैंने जब खा लिया तो उन्होंने दो रोटियां और पकड़ा ली, मैंने वो भी खा लिया। उसके बाद गुरुजी बोले हूं तो जा, हूं तो फौजी बंदा है ना, फौजी अंदर दिमाग ज्यादा होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, है तू जाके टेस्ट करा के फिर परसों आए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गया, मैंने टेस्ट करवाया और टेस्ट का रिजल्ट आने के लिए 24 आवर्स चाहिए थे ब्लड टेस्ट का। उसके अगले दिन जिस दिन मैंने जाना था वापस गुरुजी के पास, तो मेरा बिलिरुबिन काउंट स्टीपली डाउन आ गया, 22 से स्ट्रेट 15 पे आ गया। तो मैंने कहा ये तो वाकई कमाल हो गया। तो मैं जब वापस गया, जब दूसरी बार मैं जब गया ये दो दिन के बाद, तो मेरी वाइफ जो पहली बार नहीं गई थी मेरे साथ वो भी साथ। जब हम मंदिर में उतरे तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया, गुरुजी नहीं जानते थे मेरी वाइफ कौन है, तो कभी उन्होंने देखा नहीं था, उनके बारे सुना नहीं था, कभी बात भी नहीं हुई थी। सुमन आंटी आ गई है, चल आ तेरी फाइल खोलिए। सो इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी ही स्टार्टेड टेलिंग गुरुजी उनके बारे में। उन्होंने 10-12 ऐसी चीजें बता दी जो किसी और को पता नहीं हो सकती, उनमें से कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को भी नहीं मालूम। सारी की सारी जो गुरुजी ने बातें कही वो बिल्कुल सच। उसके बाद हर दो दिन के बाद गुरुजी मुझे बोलते थे, उन परसों आई, उन 4 दिन बाद आई, और हर बार मेरे टेस्ट के रिजल्ट को उन्होंने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। एक बार बोलने लगे कल तेरा बिलिरुबिन काउंट 3 होगा, मैं कहा नहीं गुरुजी इतनी तेजी से उतर रहा है, 3 नहीं अब तो 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या जो भी 1 से बिलो चले जाएगा। उन्हें कहते हैं टेस्ट करा क्या है, जब टेस्ट कराया तो 3 मतलब 3 ही था, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, मतलब ऐसे एक्यूरेट फिगर वो गुरुजी प्रेडिक्ट करते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग होने लगी। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा आपके पास मैं कई बार आता हूं, आप मेरे को या किसी और को अपने पांव दबाने के लिए कहते हो, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी जाते थे, वो कहते थे ये क्या बात है गुरुजी आपसे दबवाते हैं, हमसे कभी नहीं दबवाया। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे को मालूम है किसको एनर्जी ट्रांसफर की जरूरत, तो मैं उन लोगों से ही टांग दबाता हूं या पांव दबाता हूं या अपने शोल्डर दबाता हूं जिनको मेरी एनर्जी की ट्रांसफर की जरूरत है। जब मैंने ये अपने बच्चों को और वाइफ को बताया तो उनको तसल्ली हुई कि उनको नहीं तो लगता था कि शायद गुरुजी हमसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करते। एक और बात मैंने गुरुजी से पूछी, मैंने कहा गुरुजी पहली बार जब मैं आपके पास आया आपने कुछ ही सेकंड्स के अंदर कह दिया कि तेनु मैं ठीक कर देता। मैंने कहा मैं देख रहा हूं इतने महीने से आ रहा हूं, कितने लोग आते हैं और कितनी कितनी देर से आ रहे हैं, मगर आप उनको ये नहीं कह रहे कि तेनु मैं ठीक कर देता। सो देन गुरुजी एक्सप्लेन टू मी कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ गुरु टू हील। उन्होंने कहा कि जब अंदर सीढ़ियां कोई उतरता है और मैं उसकी तरफ देखता हूं तो गुरु की एक एंटना रेडार विजन होती है, उस रेडार विजन से गुरु को पता लग जाता है कि ये मेरी एनर्जी लेने के लिए ये इंसान तैयार है या नहीं तैयार, क्या इसका एंटना मेरी रेडार की एनर्जी लेने को तैयार है कि नहीं। मैं एक मिलिट्री मैन हूं, पायलट हूं, इसलिए मैं ये आपको इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि गुरुजी ने मुझे इस लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि जिस दिन तू वॉक इन किया मेरे को पता था कि तू फुल्ली रेडी है मेरी एनर्जी लेने के लिए। तो ये एक जरूरी बात मैंने समझा कि संगत को मालूम होना चाहिए कि जितनी देर आप
फुल्ली अलाइन नहीं होते गुरु के साथ, गुरु की एनर्जी, अगर आप अलाइन हो जाते हो तो घर बैठे बैठे भी आपको एनर्जी मिल जाती है। एक और भगत थे गुरु जी के, वो भी एक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन थे, मैं भी तब ग्रुप कैप्टन होता था, तो वो भी एक पायलट थे, तो ये V8 स्क्वाड्रन के अंदर वो डॉर्मियर जहाज उड़ाते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि चलो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ गुड आइडिया, वो जलंधर में है उन दिनों। तो हमने प्लान किया कि एक फ्लाइट करेंगे, वो अपनी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बनाएंगे, और हम दोनों ने गुरु जी के यहाँ मैसेज भी भिजवा दिया कि गुरु जी हम आने वाले हैं, ऐसे जहाज लेके आएंगे, सवेरे आएंगे, दोपहर तक वापस चले जाएंगे। तो गुरु जी ने अपनी सारी संगत को, सुबेर वाली जो संगत थी वहां पे जलंधर में, उनको बोल दिया कि वो मेरे दो पायलट लड़के हैं, वो आने वाले हैं और मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, ऐसे गुरु जी ने बोला। तो हुआ क्या, जब हम जहाज में पहुंचे तो सवेरे विजिबिलिटी इतनी डाउन थी, सर्दियों के दिन थे, कि हमारी टेक ऑफ डिले होती गई और फाइनली हमने टेक ऑफ करीबन दो ढाई बजे टेक ऑफ कर पाए, तभी विजिबिलिटी क्लियर हुआ। वहां से हम आदमपुर लैंड किए, आदमपुर से एक व्हीकल लेके हम जब गुरु जी के यहाँ पहुंचे तो शाम के 4 बजे। तो हमको पता था कि गुरु जी नाराज हो जाएंगे, क्या सुनने सवेरे आना था, अभी 4 बजे है, मगर हम जानते थे कि गुरु जी समझते हैं कि कोई ना कोई कारण हो गया। तो जब हम वहां पहुंचे तो थोड़ी संगत बैठी हुई थी, गुरु जी अपना विश्राम कर रहे थे, तो संगत ने बोला कि आप लोग हो वो पायलट जिन्होंने आना था, गुरु जी सवेर से आपकी बातें कर रहे हैं। हमने कहा हाँ ऐसे ऐसे देर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद गुरु जी अपने चेंबर से बाहर आए और गुरु जी ने क्या आ गए हो, कोई गल नहीं, आना तो अड़ी मर्जी ना, जाना मेरी मर्जी ना। वी अंडरस्टूड कि हमको बताया गया था कि अगर हम 6 बजे तक टेक ऑफ नहीं कर सकते तो हमको रात को आदमपुर ही रहना पड़ेगा। तो 5 बजे हमने सोचा कि अगर अब निकल जाएं तो हम शायद निकल पाएंगे। तो हम घड़ी देख रहे थे तो गुरु जी कहने लगे घड़ियां ना देखो, इतनी लेट आए हो, हम तो इतने बैठना पड़ेगा। सो वी स्टॉप लुकिंग एट द वॉच नोइंग कि अभी तो यहीं रहना है। फिर 7 बजे 8 बज गए, 8 बजे गुरु जी अंदर से कुछ मिठाई के डब्बे, कुछ कपड़े, साड़ियां हमारी, मेरी वाइफ के लिए और उसकी वाइफ के लिए वो लेके आए और कहने लगे, गुरु जी कहने लगे जाओ हम तुसी। अच्छा गुरु जी हूं तो असी रात इतने रहना है, असी नहीं जा सकते क्योंकि साड़ी तो फ्लाइट अब हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं 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 तुसी जाओ। जब हम आदमपुर पहुंचे 9:15 बजे 9:30 बजे तो वहां पे स्पेस कमांडर हमारी वेट कर रहे, रनवे की लाइट्स ऑन थी और हमें कहा गया कि आपकी फ्लाइट की हमने क्लियरेंस करा दी है। तो हमने कहा हमको तो नाइट में आपने कहा था जा ही नहीं सकते। कहने लगे नहीं क्लियरेंस आ गई है, कोई और एक्टिविटी आ गई है और उसके लिए हम आपके लिए नाइट क्लियरेंस कर दिया और रात को 11:30 बजे हम दिल्ली पहुंचे। तो देखो ये सारे सीक्वेंस में आप देखिए कि गुरु जी कहां कहां तक, वो 8 बजे हमको 8:30 बजे कह सकते थे नहीं बैठे रहो, असी बैठे, उन्होंने भेजा वहां से बेस कमांडर की क्लियरेंस आई। चलो ये तो एक सत्संग है। अक्सर जब मैं वहां गुरु जी के मंदिर जाता था, गुरु जी मुझे तरह तरह के जो नए लोग आते थे उनसे बातें करने के लिए कहते थे, मुझे नहीं सभी को कहते थे। मुझको उन्होंने पीएन सेशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के साथ, मायावती के साथ, भजन लाल के साथ, एक इंडस्ट्रियल थे झुनझुनवाला, कईयों के साथ उन्होंने मुझको अपने चेंबर में भेजा कि इनके साथ बातें करो। हर जिने से जिसने मैंने बात की उन्होंने सबसे पहले मुझे यह सवाल किया कि आपसे हम क्यों सुने, हम तो गुरु जी के पास आए। मैं उनको कहता था कि गुरु जी का मुझे हुक्म है, मैं हुक्म का पालन कर रहा हूं, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको सत्संग सुनाओ और मैं वो सत्संग उनको अपनी ही तरह से सुनाने की कोशिश करता था। मैं
जगह जगह पोस्टिंग्स पे रहा, कभी असम में था, फॉरेन कंट्री में मेरी पोस्टिंग थी। जब भी मैं इंडिया आता था तो या दिल्ली आता था तो गुरुजी के यहाँ जाता था, मगर गुरुजी इतने कंसंट्रेट थे, कहते थे अच्छा रशिया तो आया है, कितने दिन ले आया है? मैं क्या गुरुजी एक हफ्ते ले आया है। ओहो, फिर तो तेरे बड़े काम होने हैं, और भी पास दौड़ करनी होनी है, बच्चे बच्चों के भी काम होने हैं, ऐदा करी एक बार होर आना बस, बाकी दिन अपने होरां वड्डे अफसरां नूं मिलदी, लोगों ना ड्रिंक ड्रूंक कर ली, शराब सूब ड्यू पी ली। सो गुरु जी वो सो कंसिडरेट कि हर चीज में गुरु जी वुड बी कॉन्शियस कि आपकी और भी कई रिक्वायरमेंट्स होंगी लाइफ के अंदर। और एक बार एक लेडी आई जो राजस्थान की किसी स्टेट की प्रिंसेस या कुछ ऐसी थी, कोई रॉयल फैमिली की, उसके साथ उसकी दो बेटियां थी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि जाओ इनके साथ मेरे चेंबर में, इनको कहानियां सुनाओ, और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी खुद आ गए। जो गुरुजी आए तो मैं चुप हो गया। तो गुरुजी ने कहा चल कुड़िए तेरा मैं टेस्ट लेना है, तू की पढ़ के आई है? उन्होंने कहा जी मैं बीए इकोनॉमिक्स का फाइनल ईयर कंप्लीट करके आई हूं। तो गुरुजी इन नेक्स्ट 3 minutes asked her 5 questions from the syllabus of BA Economics final year, and all 5 questions she could not answer. But for all 5 questions, Guruji ne uske jawab diye, aur us ladki ne kaha ki sare ke sare jawab bilkul theek. To sirf healing power nahi thi Guruji ke paas. हीलिंग तो खैर उनकी प्रेजेंस में सबको हीलिंग हो ही रही होती है, चाहे वो आप चाय प्रसाद ले रहे हैं, लंगर प्रसाद कर रहे हैं, अपने घर में बैठे भजन सुन रहे हैं, गुरु जी की फोटो की तरफ ही देखते जा रहे हैं, तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग और एनर्जी और हीलिंग हो रही है। 2012 में मैं तब तक एयर मार्शल बन चुका था, गुरुजी ने हर रैंक पे हर प्रमोशन पे मेरी पे गुरुजी मॉनिटर करते थे, मेरे को बताते थे हुन मैं तेनू आ बना देना है, हुन मैं तेनू आ करा देना है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। सो 2012 में मैं एक मिराज 2000 जहाज उड़ा रहा था ग्वालियर में, 24 फरवरी मेरे को डेट भी याद है, और हम टेक ऑफ किए, 2 सीटर था, एक और पायलट था, और क्योंकि एयर मार्शल अकेला नहीं उठते, वो 2 सीटर में ही उठते हैं नॉर्मली। तो जब हम टेक ऑफ किए तो थोड़ी देर बाद हमारे इंजन से फटने की आवाज आई, और इकलौता जो इंजन था मिराज का वो इंजन फट गया। 11,000 फुट की ऊंचाई पे थे हम, और फिर जहाज आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में तेजी से नीचे आना शुरू हुआ। हमने कोशिश की बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, मगर वो जहाज का इंजन स्टार्ट नहीं हो सका, और इसलिए हमको ये डिसाइड किया कि हम इजेक्ट करेंगे, कूद जाएंगे, बेल आउट कर जाएंगे। उस फ्यू सेकंड्स के अंदर मेरे दिमाग में हजारों चीजें बहुत तेजी से गुजरी, और उनमें से एक था, मैंने कहा गुरुजी आज मेरी ट्रेनिंग और आपकी ब्लेसिंग्स का एक टेस्ट है, हमको पास होना है ये टेस्ट। एंड फिर हमने वो सीट का हैंडल खींच दिया और इजेक्शन हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि जब एक फाइटर जहाज से इजेक्ट करता है कोई, तो बॉडी के ऊपर 28 टाइम्स दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फोर्स लगती है, और नॉर्मली जो लोग 40 साल से बड़े होते हैं उम्र में, उनकी बैक स्पाइन और नेक में इंजरी की बहुत हाई रिस्क होती है, और मैं 59 years 2 months का था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मेरी नेक और स्पाइन पे बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल भी कोई वो इंजरी नहीं हुई। आज भी वो नेक और स्पाइन गुरुजी की ब्लेसिंग से बिल्कुल वैसे का वैसे ही स्ट्रांग है। तो गुरुजी 2012 में, 2007 में समाधि कर ली थी, 2012 में, और आज हम सब जैसे सत्संग सुना रहे हैं एक दूसरे को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ
हर तरफ से, हर समय, हर तरह से हमारे साथ लगी हुई हैं। और क्योंकि और कई लोगों ने सत्संग सुनाने हैं और मैं मेरे को भी एक टाइम स्लॉट दिया था 15-20 मिनट का, मेरे 20 मिनट हो गए हैं। और मैं सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे और हम सब पे गुरु जी की दया हमेशा होती। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आरती कपूर आंटी कि वो आए और सत्संग शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सारी गुरु संगत को बहुत बहुत बधाई। किसी कर्म योग से हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, और वो भी एक ऐसा गुरु जो रसिक वैरागी है, जो एक पूर्ण गुरु है, जो अपनी संगत से इतना प्यार करता है वो गुरु, कि वो हम सबके लेवल पर आकर हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं। एंड कीप इन माइंड संगत जी दैट इट इज आवर गुरु जिन्होंने हमारी रूह को चूज किया है, हमारी सोल को चूज किया अमंगस्ट बिलियंस ऑफ अदर्स, और हमें उन्होंने वो हक दिया कि हम अपने आप को उस गुरु की संगत कहला सके। एंड दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर मैं अपना सत्संग की शुरुआत शुक्राना से करूंगी, क्योंकि शुक्र है उस गुरु का, उस दाता का, उस पिता का, उस एंकर का, फिलोसोफर, गाइड। इट्स यू नो माय इमोशंस आर एंडलेस टुवर्ड्स गुरुजी, बिकॉज ही हैज गिवन मी अ टेस्ट ऑफ डिविनिटी, हिज डिवाइन वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज। और जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि यू नो गुरुजी के दरबार में कभी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, जब वक्त और घड़ी बराबर होता है तो गुरु फाइंड्स अ वे टू इनवाइट यू इनटू हिज दरबार। ओके, एंड देयर इज नो कोइंसिडेंस, दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन। सो लेट मी टेक यू बैक टू लेट 90s। तो गुरुजी का बुलावा मेरे को तब आया इन लेट 90s। गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते थे and I was a college going student, so as a teenager you know काफी impressionable mind होता है, बहुत सवाल उठते हैं, and we always want to question the status quo। हम ये नहीं, you know, ये नहीं कि किसी ने बोला कि यहाँ चले जाओ तो हम वहां चल पड़े, यहाँ मत्था टेक लो तुमने वो कर लिया, बहुत सवाल होते हैं। और जब तक you know something doesn't resonate with you, जब तक something doesn't sit well with you, वो उस जगह पे surrender करना, उस जगह पे अपने आप को समर्पण करना बहुत मुश्किल होता है। And I will, you know, I will tell you how he made this possible for us. So, पहली बार सिर्फ, you know, मेरे माता पिता गए, my parents went, and my sister and me, we decided to stay back. वो पहली रात थी जब, you know, मम्मी पापा गुरुजी से मिले। हालांकि डैडी, you know, गुरुजी के बारे में 93-92 से सुन रहे थे, but जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता, उनके दरबार में आप नहीं जा सकते। सो जब पहले दिन वो पापा से मिले तो गुरुजी ने उनसे पंजाबी में बातचीत की, और संगत जी मुझे माफ करना, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस एज बेस्ट एज आई कैन। तो उन्होंने पूछा कि जनरल कपूर तुसी आ गए हो, तुहानू मेरे बारे से पता सी, डिड यू नो अबाउट मी? एंड पापा ने जवाब दिया, हाँ जी गुरु जी, आपके बारे में मेरे को पता था, जलंधर के टाइम से पता था। एंड तब गुरुजी ने, ही लुक्ड एट हिम एंड ही सेड, अच्छा तो आप आए क्यों नहीं? सो यू नो माय डैड वाज स्टीपिश, क्या जवाब दें? बट बिफोर पापा को जवाब दे सकते, गुरुजी ने कहा कि मेरे दरबार में आपका बुलावा अभी आया था। एंड इन अ लाइटर वे डैड सेड कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब आए तो अभी पूरी कसर निकाल लेंगे। एंड श्योर इनफ, ट्रू टू दोज वर्ड्स, you know guruji has given us, blessed us more, much more than we could have ever imagined. Ye unki mahima hai. So and I'm going to focus on my personal satsangs. I'm not going to talk about my dad's satsang, but my own personal journey, my connection with my guru. So us din you know he asked about puja and I, and ya chaki do betiyan unko kal lekar aana. My mom was heavily diabetic, unka wo pehla din tha। गुरुजी अपने हाथ से इतना प्रसाद देते थे कि
जो वो अपने एक हाथ से देते थे हम अपने दो हाथों में नहीं समेट सकते थे, राइट? और यू नो बीइंग अ डायबिटिक इतना मीठा तला हुआ खाना वाज एन एब्सोल्यूट नो नो. लाइक आप यू नो किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस इट्स अ कंप्लीट फेलियर. सो जब बंदा पहली बार जाता है वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सवाल, बहुत ही इफ्स एंड बट्स के साथ जाता है कि क्या मैं सही जगह पे हूँ. ओ माई गॉड, इतना मीठा मिल रहा है, इतना तलावा मिल रहा है, डॉक्टर्स बहुत अपसेट हो जाएंगे, मेरी शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगी. और यही सब मेरी मॉम के दिमाग में भी चल रहा था. बट एनीवे, गुरुजी देते गए और वो लोग लेते गए. उस दिन वो रात को तकरीबन 2 बजे वापस आए. तो मैं और मेरी बहन तब जाग रहे थे, आते ही उन दोनों ने बोला इट वॉज रियली नाइस, गुरुजी ने तुम लोगों को कल बुलाया है तो तुम लोग भी चलना. एंड यू नो ऑटोमेटिकली वी बोथ सेड हां जी, यू नो मुंह से यस निकला. सो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, गुरुजी वाज सिटिंग आई थिंक इन अ ब्यूटिफुल पिंक रोब, गुलाबी चोला उन्होंने पहना था, और कुछ शाम के 7 या 7:30 बजे होंगे. एंड you know when I walked in, मेरा first ये impression था, जैसे हम कहते हैं ना कि चाहे हम अपने परिवार के साथ आए लेकिन आपकी रूह का connection, you know everybody is an individual soul in Guru's darbar and we all come with our own karmic baggage, with our own karmic debt, right? So जब मैं गुरुजी के पास गई मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी इंद्रलोक में आ गई हूँ. और यू नो एक खूबसूरत सा गुरु बैठा है, बहुत सुंदर एक चोला पहना हुआ है, आसपास आंटियां हैं, कोई हाथ दबा रही है, कोई पाँव दबा रही है, कोई कंधा दबा रही है. और मुझे लगा ऐसा वाओ. और जो एम्पायर स्टेट में क्राउड भी था वो यू नो काफी काफी एलीट क्राउड लग रहा था. जैसे यू नो अंकल जो पहले सत्संग कर रहे थे उन्होंने बताया यू नो कि काफी वहां टेक्नोक्रैट्स, ब्यूरोक्रैट्स, टॉप डिफेंस ब्रास, सारे Page 3 सेलिब्रिटीज, यू नो ये सब देखने को मिल रहा था. तो एज अ टीनेजर यू नो कुछ सवाल मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आए जो मैंने किसी के साथ यू नो घर जाके डिस्कस नहीं किया, कुछ शेयर नहीं किया. बट एज वी ऑल नो टुडे कि गुरुजी जानी जान है, वो बिन बोले सब कुछ सुनते हैं और समझते हैं और आपको जवाब भी देते हैं, राइट? सो जो सवाल मेरे दिमाग में आए कि एक तो यू नो राइट थिंग्स फर्स्ट, थिंग्स फर्स्ट, द ऑरा देयर वाज अमेजिंग. तो वहां बैठ के ऐसे लगा कि एक एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल थी जो यू नो मन कर रहा था कि उस जगह से तुम उठ के ही ना जाओ. गुरुजी के चेहरे पे जो नूर था ऐसे ऐसे मन कर रहा था कि तुम बस उनको एक तक देखते रहो. लेकिन येट इतनी एनर्जी थी गुरुजी में कि जब वो आपकी तरफ देखते थे बाय डिफॉल्ट आपकी नजर नीचे हो जाती थी, आप उनके साथ नजर नहीं मिला सकते थे. लेकिन जब वो इधर उधर देख रहे होते थे तो आप उन्हीं को देख रहे होते थे. द मोमेंट ही वुड मेक आई कॉन्टेक्ट विद यू आपकी नजर नीचे. सो प्रसाद मिला, यू नो लंगर खाया, 4 लोगों ने एक प्लेट में खाया. और लंगर की यू नो इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं. It is food for our soul. It is food, you know, for it's medicine for our body. Because jo ek human body hoti hai, it's a very complicated machine. Hame khud nahi pata hota ki you know what's working well, what's not working well. To jo Guruji aapko wahan langar dete hain, wo aapki body ke liye dawai hai. Usko puri tarah se khaiye. And ye humne khud first hand dekha hai ki kaise you know people from different walks of life. With terminal diseases, who used to walk into his darbar, jiska koi treatment sunne mein nahi milta tha, Guruji kaise unko langar prasad ke zor par theek karte the. You know, kabhi aur unka you know interaction jo hota tha, wo kafi one-to-one level pe hota tha. Kabhi wo you know so-called operation karte the paan ke patte ke saath ya chammach ke saath, and his ways, you know, kehte na unke tarike bahut nirale the, bahut nirali duniya thi. और सवाल जो मेरे दिमाग में उठने शुरू हुए कि आसपास सब यू नो सबका ये कहना कि ये भगवान है, यू नो या इनमें इनमें वो पावर्स है वेयर ही कैन फोरसी एंड फोरवॉर्न एंड हील पीपल. तो मेरे को ये सवाल आया कि यू नो अगर ये वाकई ही यू नो इतने बड़े गुरु हैं तो दिल्ली के सारे गरीब कहाँ गए? बिकॉज सारे तो यहाँ पर यू नो वेल टू डू लोग नजर आ रहे हैं. दूसरा जो मेरे मन में सवाल आया कि यू नो अगर किसी का कल्याण किया भी है तो सत्संग करने की क्या जरूरत है? यू नो व्हाई टॉक अबाउट इट? बिकॉज पीपल यू नो यूज्ड टू शेयर द मोस्ट इंटीमेट
things with people they don't even know. And this is all, you know, आपका छोटा आपकी मन बुद्धि के सवाल. अब मुझे समझ आता है कि it is not the guru who needed our marketing. Guru was only trying to orchestrate kalyan. Guruji कहते थे कि वो एक बहती हुई गंगा है. जितने लोगों को गुरुजी के बारे में बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में बताइए, ताकि जो कल्याण हमें मिल रहा है वो आसपास सबको मिले. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन टुडे वी शेयर सत्संग्स. इट इज टू ऑफर आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर गुरु. इट यू नो व्हाई गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का, दोनों का कल्याण. इट हेल्प्स एक्सपिएट आवर कर्मास. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग बैक देन. And as far as, you know, where is the less affluent Sangat, uska bhi jawab Guruji ne diya is tarike se ke, you know, one day, I think it was sometime in 2000, Guruji hame Dugri leke gaye apne saath. Aur waha jo maine Sangat ka roop dekha, jo Sangat mein pyaar dekha, it was a game changer. It was a completely different facet of his Sangat. And this was Guruji who was giving me a taste of his divinity and answering all the questions that came to my mind without even asking anybody. और आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताती हूँ. मैं इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए तैयारी कर रही थी और इकोनॉमिक्स मेरा बहुत कमजोर सब्जेक्ट था. अकाउंट्स में मैं ठीक थी, इकोनॉमिक्स में आई वॉज वीक. गुरु जी के यहाँ मैं मत्था टेकने आई. अगले दिन यू नो इको का एग्जाम था तो छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी से मथा टेकते टाइम बोला कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है. और श्योर इनफ उस टाइम एक आंटी उनको उनके पैर दबा रही थी साथ में बैठे हुए. तो गुरुजी स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी. इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस वो पूछने लगे. एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट गुरु वॉज अ वेरी वेल रेड गुरु. ठीक है, he was educated, he was very aware. और एक सवाल पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा. एंड मेरे को लगा कि जिससे पहले आई कैन आंसर वन क्वेश्चन वो दूसरा पूछ रहे, उसके बाद तीसरा पूछ रहे. सो इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग माय आंसर्स, अगर उनको मेरे जवाब सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं. एंड दैट आंटी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम सेड, बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट, आई वाज लाइक वाओ, यू नो दिस प्लेस इज अ गेम चेंजर. यहां सिर्फ बीमार लोग ठीक नहीं होते, यहां तो गुरुजी क्वेश्चन पेपर भी बता देते हैं. एंड दिस इज जस्ट अगेन संगत जी, आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ अ स्टूडेंट. आई वाज अ स्टूडेंट बैक देन. तो श्योर इनफ मैंने वो क्वेश्चन जाके घर में पढ़े, नेक्स्ट डे पेपर दिया और वही क्वेश्चन थे. एंड आई पास्ड माई इकोनॉमिक्स एग्जाम. एंड दैट्स व्हेन माई फेथ वॉज सीमेंटेड, मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ. क्योंकि गुरु आपको उतनी ही मेडिसिन की डोज देते हैं जितनी आपकी सोल उस टाइम पे ले सकती है. एंड गुरुजी हैड हिज ओन वे ऑफ यू नो सीमेंटिंग माय फेथ इन हिम. यू नो मेरी बहन का अलग नजरिया था, मेरे पेरेंट्स का अलग नजरिया था, मेरा अलग नजरिया था. और ये हुआ और उस दिन से मेरे को विश्वास बनना शुरू हो गया कि यू नो इस जगह में कुछ तो खास बात है. उसके बाद मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ. मैं कॉलेज में थी और उस दिन मेरे डैड का सेलफोन मेरे पास था. तो मैं कॉलेज में बाहर ऐसे ही सैर कर रही थी, क्लास खत्म हो गई थी, आई वॉज वॉकिंग विद माई फ्रेंड्स. तो वो फोन बजता है और यू नो आई आंसर दैट फोन और ऑन द अदर एंड आवाज आती है, की कर रही है. एंड गुरुजी की आवाज जिन लोगों ने भी सुनी हुई है वो दैट्स अनफॉरगेटेबल. ओके, एक बार आप गुरुजी की आवाज सुन लो तो आप भूल नहीं सकते कि वो गुरुजी की आवाज है. तो मैंने कहा ओ गुरुजी, ही सेड की कर रही है. एंड यू नो आई स्टार्टेड वॉकिंग अहेड ऑफ माई फ्रेंड्स. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, यू नो मेरा मजाक बन जाएगा कि कैसी लड़की है, इसको गुरु लोग फोन करते हैं. सो आई सेड गुरुजी आज ना फोन पापा का फोन मेरे पास है. तो ही रिपीटेड, ही सर अच्छा डैडी द फोन तेरे कोल है. मैंने कहा हां जी गुरुजी. तो अच्छा एक काम करी, शामी आ जाई. मैंने कहा जी गुरुजी. ते डैडी नु नाल लेकर आई. जी गुरुजी. ते मम्मी नु घर छट के आई. जी गुरुजी. मैंने जी 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 करके यू नो फटाफट कॉन्वर्सेशन रैप अप करी कि ये ना हो कि यू नो मेरे फ्रेंड्स मुझसे सवाल जवाब पूछे और एंड मेरा मजाक बनाए.
तो एनीवे मैंने फोन रखा, मैं कॉलेज से निकली, मैंने पापा को फोन किया, रास्ते में मैंने उनको कनॉट प्लेस से उठाना था, ऐसे पापा ऐसे ऐसे गुरुजी ने बुलाया. सो हम घर पहुंचे, फ्रेशन अप हुए, माय मॉम सॉ अस गेटिंग ड्रेस्ड, सो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, एंड मम्मा को मैंने बोला कि गुरुजी ने बुलाया है, तो शी सेड अच्छा अच्छा मैं भी चलती हूँ, एंड आई सेड नहीं मम्मा आई एम सॉरी बट गुरुजी ने कहा है कि डैडी नु नाल लेकर आई तो मम्मी नु घर छोड़ कर आई. सो गुरुजी का हुक्म तो पत्थर की लकीर है. So she was disappointed, but she stayed back, and myself and my dad, we went to Guruji. Us din non-sangat day tha. Shuru mein Guruji saaton din baithte the, and uske baad he'd reduced the frequency to, I think, 4 days a week. And it was a non-sangat day. Shaam ke kareeban 7 baje the, aur Guruji apne kamre mein the. Koi aur nahi tha. I think Joshi uncle the. किचन में, एंड मे बी आई थिंक सुदामा जी थे. आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई मेमरी, सो गुरुजी भूल चुक माफ करना. गुरुजी अपने कमरे में थे, एंड वी वर आस्ट टू गो इनटू द रूम. कमरे में, जिन्होंने एम्पायर स्टेट पे उनका कमरा देखा है, देयर इज अ काउच अगेंस्ट द वॉल. गुरुजी वाज सिटिंग ऑन दैट काउच एंड प्लेइंग विद अ फोन. हम अंदर गए, हमने मत्था टेका, हम नीचे बैठे. गुरुजी ने अपने हाथ पांव दबाने का मौका दिया, और for those of you who've met Guruji, we know ke kitni amazing fragrance aati thi right, from the gate of Empire State. You could smell that fragrance. Itni wo strong aur itni powerful aur bahut hi unique wo fragrance thi. To agar aap Guruji ke haath paon dabana shuru karo, to aisa lagta tha ke hafta bhar to uske baad haath hi na dho, because wo itni fragrance aap mein aa jati thi. उसके बाद गुरुजी का कवर्ड ग्लास में कुछ ड्रिंक आया, तो गुरुजी ने उसका एक सिप लिया, उसके बाद उन्होंने ग्लास मुझे दे दिया. ही सर एले तू पी ले. एंड संगत जी, दैट वाज द मोस्ट डिवाइन टेस्टिंग कोकोनट वाटर. जो कि अगर किसी ने बोला है, कोई बोलता है कि क्या आपने अमृत पिया है, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि यस, मैंने अपने गुरु का झूठा अमृत पिया है. मैंने I've traveled over the world. I have never had a drink as divine as that. And till date, I remember that evening as the best evening of my life. When life throws, a curveball, life mein jitna bhi stress aa jaye, chahe wo health ka ho, chahe wo relationship ka ho, chahe wo finances ka ho, I hold on to that evening as the best evening of my life. So anyway, so that happened. Humne nariyal pani piya. इतने में गुरुजी ने फोन मंगवाया. ही कॉल्ड संतो आंटी, जो उनकी पुरानी संगत थी, उनको फोन लगाया. ही स्पोक टू हर इन पंजाबी, एंड ही सर अच्छा की बनाया है, एंड शी मस्ट हैव सेड समथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, एंड ही सर अच्छा तो फिर तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं. सो उन्होंने जोशी अंकल घंटी बजाई, जोशी अंकल को बोला गाड़ी तैयार करवाओ, और वी वर सेट टू गो. और गुरुजी कि ये बहुत खासियत थी कि गुरुजी अपनी संगत को बहुत ऐश करवाते थे, एंड आप उनकी विनम्रता, उनकी मैग्नानिमिटी, उनकी जेनरोसिटी आप देखो, दैट पूरी संगत को खाना खिलाने के बाद, लंगर कराने के बाद, वो अपने कमरे में जाते थे और लंगर करते थे. नॉट जस्ट द संगत सिटिंग इन द दरबार, इवन द ड्राइवर्स वेटिंग आउटसाइड, ही वुड इंश्योर कि जो उनके दर पे आया है लंगर मिले, उसके बाद एंड में वो खुद लंगर चखेंगे. सो एनीवे, गाड़ी आई, और गुरु जी कहते हैं मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा. तो हमारे ड्राइवर का नाम उस टाइम मिश्रा जी था, उन्होंने गाड़ी पुल करी, एंड ही टोल्ड माई डैड कि आप जोशी के साथ जाओ, और मैं गुरुजी के साथ पीछे बैठी, पीछे वाली सीट पे, और आगे मिश्रा जी गाड़ी चला रहे थे. और उस टाइम नया नया था, मैं थोड़ा सा घबरा गई कि पापा को उन्होंने दूसरी गाड़ी में क्यों भेज दिया. अगेन मेरी छोटी सोच, राइट? क्योंकि आप इतना कुछ सुनते हो अबाउट गुरुज एंड बाबाज इन दिल्ली, दैट इवन एज अ ह्यूमन बींग आई गॉट स्केयर्ड, एंड आई एम जस्ट बींग ऑनेस्ट दैट वॉज अ फीलिंग दैट केम टू माई माइंड, एंड आई एम अशेम्ड ऑफ दैट, बट satsang is all about sachai and pavitrata, so I'm sharing it filter free with you all. So mere ko ye khayal aaya, so guruji piche baith gaye, and guruji was sitting on my left side, I was on the right side of the car, aur guruji ne mere ko apne 10 dwar sunghaye,
गर्दन के पीछे, नाभि में एंड डिफरेंट अदर एनर्जी चक्रास, और वो बोलते गए अच्छा इसको स्मेल कर, इसको स्मेल कर, और मैं वो करती गई. और हर एक द्वार से इतनी खूबसूरत खुशबू, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती वो एक्सपीरियंस. वो हुआ उसके बाद, आई डोंट रिमेम्बर अगर कोई और बातचीत हुई हो. हम पहुंच गए संतो आंटी के घर. उसके बाद यू नो एक चीज मैं और यू नो स्ट्रेस करना चाहूंगी कि गुरु परिवार में इतनी शक्ति होती है कि आप जय गुरुजी बोलकर एक कंप्लीटली नया रिश्ता कायम कर सकते हो. यू डोंट हैव टू नो यू नो हु द पर्सन इज, क्या उसका लास्ट नेम है, क्या इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, आप क्या करते हो, ऑल दोस थिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट. द वेरी फैक्ट दैट यू आर गुरु संगत इज द बेस्ट रिलेशन इन इटसेल्फ, राइट. सो हम उनके घर में गए और बड़े प्यार से उन्होंने राजमा चावल हमें खिलाया. एंड आई थिंक जनरली करंट अफेयर्स की बात हो रही थी. गुरु जी हैड अ वेरी कीन सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बहुत हंसाते थे. यू नो जो उन्होंने फुल फॉर्म्स बना रखे थे डिफरेंट डिफरेंट यू नो चीजों के, IAS अगर कोई आता था तो गुरु जी बोलते थे लो आई एम सॉरी आ गया, या PhD अगर कोई आता था गुरु जी वुड लाफ एंड से अच्छा पागल होने का डर. So I just remember that evening as being a very light, a very enjoyable evening. So वो experience हुआ. उसके बाद you know regular of course आना जाना every day. एक ऐसा aura, एक ऐसी pull, एक ऐसा खिंचाव उस जगह से था कि no matter आप कितना भी थक कर आए हो college से, तुम सोचते थे कि अच्छा आज नहीं हम जाएंगे, पर शाम के 7 बजे by default every member of the house ready हो जाता था कि गुरुजी के पास जाना है. वो था गुरु जी का ऑरा. यू नो और यू नो मैंने ऑब्जर्व किया था गुरु जी के दरबार में दैट फ्यू पीपल ऑन देयर बर्थडे स्पेशली यू नो वुड ब्रिंग ईदर चॉकलेट्स और समथिंग लाइक दैट फॉर गुरु जी. सो यू नो अगले साल जब मेरा भी बर्थडे आया, सो ऑन माय बर्थडे आई टुक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर गुरु जी. यू नो डरते डरते आई वाज लाइक पता नहीं यू नो गुरु जी खाएंगे नहीं खाएंगे, कहीं डांट ना मारते. पर मैंने हिम्मत कर अगेन छुट्टी लेते टाइम मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, ये आपके लिए चॉकलेट्स. सो उन्होंने वो बॉक्स लिया और साथ में रोमा आंटी बैठी थी, वो उन्होंने रोमा आंटी को पकड़ा दिया. ही वॉज वेयरिंग मरून जुत्तीज, ओके. ही रिमूव दोस जुत्तीज एंड ही सेड एले चक तेरा प्रसाद. एंड संगत जी आई वॉज ऑन क्लाउड 9. मैंने उनके सामने वो जुतियां ली, उनको चूमा और अपने सर पे रख लिया. Until date, I have those juttis. And let me tell you that, you know, वो juttis को तुम ऐसे जैसे कोई prized possession नहीं होता, कोई गहना, उसको मैंने कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है अपने पास. And I've received a lot of other juttis from Bada Mandir, you know, every year that my parents come, तो वो Bada Mandir से वो प्रसाद लेकर आते हैं. लेकिन वो गुरुजी की पहनी हुई, जो उन्होंने उस दिन दरबार में पहनी हुई थी, वो उतार कर उन्होंने दी. और आज अगर मैं वो जुतियों की आपको फोटो दिखाऊं तो दोस जुतीज हैव बिकम सो वर्न आउट. एंड हैरानी की बात तो ये है कि जो चीज मैंने कभी पहनी नहीं, जब गुरुजी ने उतार कर दी थी, दे वर ब्रांड न्यू स्पॉटलेस, ओके. मैंने कभी वो पहनी नहीं, तो वो इतनी वेयर आउट कैसे हो गई? उसका एक ही मतलब है कि जो कष्ट मेरी लाइफ में आने थे, वो कष्ट थे, गुरुजी ने मुझे बचाते बचाते वो सारा जो प्रॉब्लम्स, जो लाइफ का स्ट्रेस मेरी लाइफ पे आना था, वो जुतियां अपने ऊपर लेती गई. एंड एज वी ऑल हियर इट ऑल द टाइम, अवल तो जो कष्ट हमारी लाइफ में आता है वो हमारा खुद का कर्म है, राइट. वी नीड टू फेस इट. उसमें से भी बिकॉज वी आर इन गुरुजी's छत्र छाया, 90% ऑफ दैट आर गुरु टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ. हम जो भोगते हैं वो खाली 10% है, और हम उसमें भी कांप जाते हैं कि हाय गुरुजी हमारे साथ ये ऐसे क्यों हो गया. इंस्टेड हम ये क्यों नहीं मांगते कि गुरुजी कष्ट या नो कष्ट, अच्छे वेले या बुरे वेले, हमें शुक्राना करने वाली जुबान दो, और शुक्राना करने वाली भी जुबान ऐसी जो दिल से निकले. एंड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, क्या कुछ नहीं आया. इफ यू नो इफ आई गो ऑन आई कैन प्रॉब्ली टेक the next 24 hours to talk about satsangs and how he's never held my hand. Jise kehte hai na, apni life ki door aap Guruji ke haath mein de do and let him steer your life in any direction.
because that's where I think faith and surrender comes in. Those are not just words that we use loosely. Learn to see the silver lining in the darkest of clouds. Ye samay jo is world pe aaya hai is a time for us to reflect. It's a time for us to slow down and maybe step up on our connection with our guru. Time is short, so I will wrap it up here. My only ardas to you all is that focus on your individual one-to-one connection with Guru Sahib. He is ang sang with each one of us. कहते हैं ना अपना वो अपना एंटेना आपको सही डायरेक्शन सही जगह पे ट्यून करके रखना है एंड यू ऑल विल रिसीव ब्लेसिंग मेनी फोल्ड. सदा शुक्राना गुरुजी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे. जय गुरुजी. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट दर्शन आंटी. दर्शन आंटी आए और प्लीज सत्संग शेयर करें. गुरुजी पेरी पेनिया, आई फील सो ऑनर्ड एंड डिलाइटेड to be once again given this opportunity to share my experiences of Guruji, and especially on this day, his day, when we have all gathered together to extol him, to thank him for his beneficence, his love, his kindness, his grace. It's a date when we don't ask him for anything. We just sing the praises of the Lord Guruji and thank him for the kalyan that he has done for all of us. And Sangat ji, he did it without giving us any sermons, no lectures, asking us to get up early in the mornings and follow certain rituals or practices. ना ही कभी गुरुजी ने हमसे कहा कि आप ये खाना छोड़ दीजिए या ये पीना बंद कर दीजिए या ये करना बंद कर दीजिए या इस दिन व्रत रखिए या सुबह नहा के आसन लगाकर बैठ जाइए. उनके राज्य में तो सब आसान था, सब निराला था. हमें ना कुछ कभी एम्पायर स्टेट लाना पड़ता था, ना कोई गोलक, ना कोई चढ़ावा, कोई कट्टर परहेज नहीं. उन्होंने कभी किसी से जन्म पत्रियां नहीं मंगवाई थी. किसी ने अगर पूछ लिया कि गुरुजी अच्छा दिन कौन सा होता है तो सभी दिन बराबर के थे. कोई हटके रस्म रिवाज नहीं था. अगर किसी आदमी ने अंगूठियां पहन के कोई आ जाता था संगत में तो उन्होंने सारी अंगूठियां उतरवा देनी. ज्योतिष विद्या की कोई जगह ही नहीं थी. यहां सब आसान था. आज कुछ कानून और पाबंदियां एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए अगर बड़ा मंदिर में लागू की गई हैं, समय समय पे लागू हो जाती हैं, ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने के लिए है ताकि संगत को कोई तकलीफ ना हो. गुरुजी मस्त थे, पूरे मनमौजी थे, लेकिन एम्पायर स्टेट में या जहां पर भी वे रहते थे हम सब उनकी नजर में थे. एक पत्ता नहीं हिलता था उनके इजाजत के बिना. हम सभी उनकी स्क्रूटिनी में थे. He had this complete 360 degree vision and knew what was happening with his sangat. He just had to open the third eye and you were in his orbit. कई बार संगत में उन्होंने कहा कि आप मुझे ह्यूमंस या इंसान ही नजर आते तुसी ते सारे मैनू चींटियां वंगर दिखदे हो. ही वुड नो वट वी आर ईटिंग, वट वी आर स्पीकिंग, वट वी आर डूइंग, वट कलर्स वी आर वेयरिंग एंड किसके खिलाफ हम क्या रचा रहे हैं और
किसे लूटने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा सब कुछ उनकी नजर में था, अपनी एक्सरे आई से स्कैन कर लेते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो उसका जिक्र भी कर देते थे, तुम्हारी फाइल खोल लिए, हमारी शरीर की कमजोरियां और मन की चालाकियां उनसे परे नहीं थी, सब उनकी जानकारी में था। आज भी इतने सालों के बाद कभी कभी मेरे मन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है या किसी के प्रति कुछ विचार उठते हैं जो सही नहीं है या किसी चीज पे गुस्सा आ जाता है या किसी के साथ कड़क के मैं बोलती हूं तो मैं अपने आप को चेक करती हूं, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि ये एहसास हो गया था कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी इज वॉचिंग। आई रिकॉल एन इंसिडेंट विच लेड टू अ वेरी वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। This was around 2003 or 2004. Two other friends of mine and I decided to go to the hills towards Lansdowne and Binsar, Uttarakhand, for a short holiday. Since I was with Air India, I had facilities to be able to hire a vehicle at the same company cost and travel around. So it was decided that we would not use any car and we would not use my car and that we would use this facility. At that time, I did not think it necessary that everything should be told to Guruji. Hum sochte the ki ye choti choti baatein unse kyun karni hai, unko kyun burden karna hai, ye to yahan bada kaam karne aaye hain, सीरियस इश्यूज को संभालने आए हैं। सो ऑल द वी आई यूज्ड टू विजिट हिम एवरी डे व्हेन आई वाज इन स्टेशन, आई शुड सिट नेक्स्ट टू हिम बट स्पीक टू हिम ओनली व्हेन ही स्पोक विद मी और आई हैड समथिंग इंपॉर्टेंट टू कन्वे टू हिम। सो दिस हॉलिडे प्लान वाज नॉट शेयर्ड विद हिम, ये तो एक छोटी सी बात थी। सो ऑफ वी वेंट, the three of us, on this holiday, and we had a lot of fun. Dhabo mein humne rukna, chai pini, forest mein humne jana, kahin pani mein chalna, kahin mandiron mein ghumna. We had a great time. Whilst traveling through the meadows of Binsar, there were these large wooden logs, and they were lying on the side of the road or in the meadows. So I decided to pick up one to use in my garden at Delhi. Although some local guy did bring it to the notice of the driver later, that kachi lakdi jo padi rehti hai, ye forest department ki hoti hai. Aur agar hum pakde jaye, to chalan ho sakta hai. Par humne is par zyada dhyan hi nahi diya. हम अपना नैनीताल पहुंच गए दो तीन दिन के बाद, एंड वी हैड अ रोलिकिंग टाइम देयर, वी वेंट बोटिंग, वी हैड लंच, एंड नाउ वी डिसाइडेड टू रिटर्न टू दिल्ली। वी हैड लेफ्ट नैनीताल, वी वर अबाउट 20-25 किलोमीटर्स, नैनीताल वाज बिहाइंड अस। व्हेन द पुलिस अकॉस्टेड अस एंड वांटेड टू चेक द ड्राइवर्स पेपर्स, the driver parked the car and walked across to the group of policemen standing there. We were sitting in the car and we noticed from the car that the things were getting heated up. They were getting from bad to worse. The cops were not releasing the driver and the situation was getting very, very grim. I also got worried
that in case the cops decided to walk back to the car to check it out, we had that log lying in the back of the dickey. So I wanted to avoid the cops coming up to the car. Twenty minutes had gone by, and then I decided to intervene. So I got off the car and walked across to the cops. Tried to find out what was the masla, showed them my government ID card, and explained to them that the driver was not violating any rules, that the car was indeed rented out in my name by the Air India transporter, and he was not indulging in any commercial misuse. Whilst all this was going on, I noticed one of my friends getting off the car, and she was waving out to me, trying to engage my attention. She kept making ishtaras that my phone was ringing in the car. Now, this, Sangatji, is the interesting part of the story. The divine intervention. I walked back and answered the phone. Hello? Who's this? So some guy answered the phone at the other end. He says, is that Darshan aunty? I said, yes. So he said, Darshan aunty, aapko police ke saath koi problem hui hai? So I said, aap kaun bol rahe hai? So he said, main Harry bol raha hu. Aapne abhi mujhe phone kiya tha. Maine kaha, Harry? Kaun Harry? So he said, Harry, jo main sangat mein aapko ek do baar mila hu. I said, oh, okay. This guy who we had met once or twice, but we really didn't know him well enough. So I said, Harry, आपको कैसे मालूम? आप क्या अभी पीछे से गुजर के गए हो? आपने क्या मुझे देखा सड़क पे खड़े होके पुलिस से मैं बात कर रही हूं? So he says, वाकई में आप पुलिस में फंसे हुए हैं? So this was all very, very foxing. So he insisted that I had called him. And I kept thinking, why would I call him? I don't even know the guy. So I was convinced he was lying, and I was convinced that he had driven down and he had seen me standing talking to the cops. So when I conveyed this to him, he said, nahi aunty, main to darshan mein, main to Delhi mein baitha hu, apne office mein hu. I said, aapka office kahan hai? He said, Connaught Place mein. So I asked him, he said, you take my landline number, my office's landline number, and call me on that. So I switched to the phone, called him back on the landline number, and he answered the phone. So I asked him, I said, Harry, what do you do? He said, oh, I'm in some financial business or something, and I sit here in Connaught Place. So then he asked me, he said, problem kya hai? Aapko sach mein koi problem hai? Aap ho kahan? Then I told him, hum to Nainital mein hai. He said, Nainital mein? We couldn't understand what he was saying. He couldn't understand what we were saying. Then finally he said, aapki koi mat, is that any way that I can help you? So I said, no, I think it's all sorted out. Thank you very much. This is all stories you are making that, you know, I called you. He kept on saying, Darshan aunty, I was not at my table. I came back to my table in the office and I saw this missed call from you. So I am therefore calling you back. I said, nahi, mujhe tumhari baat nahi samajh aa rahi. So he finally ended up saying, ye to phir shayad Guruji ki koi karishma hoga ya unhone karaya hai. And he put the phone down. His friends of mine, Pammi and Lena, and I, we were completely flummoxed with the mystery of the phone. Harry soche ke hum bokhla gaye hain, aur mujhe pura yakeen tha ki ye aadmi pagal hai. Are isme Guruji ka kya kaam? How is Guruji involved with this? He does not even know that we are in Nainital, and he is not in the police that he will come out and help us or make arrangements to help us. Anyway, we sat in the car and we started driving back to Delhi. Throughout the journey, there was silence. But every time when we started talking, the topic would revert back to this strange call that we'd got from some guy called Harry, and how he knew that we were stuck with the police. The driver also heard this story. He also understood something had happened. वो हमें पूछता रहे गुरुजी कौन गुरुजी कैसे गुरुजी. Anyway, we finally reached Delhi.
at the first opportunity that I got, I visited Guruji. I matha tekot. He smiled and said, "Raste vich police ne tang te nahi kita." Oh, Sangat ji, the heavens opened up. The light began shining and God revealed himself. I then understood that Guruji worked like this. He wrapped everyone around in his embrace and took care of his Sangat wherever they are. This may have occurred to you in your lives as well as it has in mine. In the process, when we were kids and we were growing up, through a process of learning, school, college, education, we always had elders at home, teachers in school, who always told us to be good humans. Bure kaam mat karo, jhoot mat bolo, acche se padho, Bhagwan dekhta hai. They always maintained that God was watching. Often, during their growing up time, I used to question this invisible God, especially with my grandmother, who used to talk about it mostly. I would want to know which God, who God. I've never seen him. I don't hear him. The only God I know is when we go to the Gurdwara, I need Kada Prasad, or when we go to a temple and we get a Peda. That day, when I was well over 50 years old, this realization sank into my being. The meaning of omnipresence, main sarvavyapi hoon, main sabhi jagah upasthit hoon, omniscient, मैं सर्वदर्शी हूं, मुझ में सारा ज्ञान समाया है, आई एम ऑल नोइंग, ओमनीपोटेंट, मैं सर्व शक्तिमान हूं, मुझ में सभी शक्तियां हैं, एंड दिस ग्रेट लेसन, दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चाइल्डहुड इनविजिबल गॉड, the understanding that God was really around us and he moved in everything, in all the elements. This came from dear Guruji. From this tiny incident on some national highway between Nainital and Delhi, where some cops were troubling a driver. Guruji was in Delhi. He knew of my problem with the cops in Nainital. He arranged mysterious phone calls and conveyed to me, "Darshananti, tera menu sab pata hai. Kuch nahi chhipya. Tu dase ya na dase. Main te rab hoon." And believe me, Sangat ji, this whole thought was very comforting. Jab hum Empire State jaate the, thoda thoda dar to lagta tha ki man mein hamare kuch baatein hongi, या हमने कुछ गलत विचार है हमारे मन में, और गुरुजी एकदम उठा लेंगे, गुरुजी को बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि हमारे दिल में गुस्सा क्यों है या हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील सो सेफ, सो वार्म टू नो दैट समवन समवेयर इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर मी, प्रोटेक्टिंग मी एंड शावरिंग मी विद ऑल हिज लव and care. Of course, after this, Guruji always knew of my whereabouts and where I was traveling and when I was returning on flight duties. And this is another of his godly attributes, that he reaches out to his Sangat in a crisis and makes the impossible possible. Today, let's all get together. Let's connect with Guruji. Guruji always said, "Mere naal connect karo."
I request you all to join me in this little abhyas, wherever you are, in whichever part of the world that you are in, whether you are sitting or standing. Please imagine that you are looking at yourself in a glass mirror. And what is it that you see? What is it that reflects back? आप अपने आप को देख रहे हैं. आपकी अपनी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रही है. पर आपकी आंखों में गुरु जी की रोशनी है. दिल में कहीं छोटी सी जगह में गुरु जी विराजमान है. Please, place your hands together in pranam and let's all bow at his feet, offering him our love, devotion and prayers. Guruji, to you, on this your day of Guru Purnima, please, please accept your Sangat's humble offerings. जय गुरु जी. नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट पायलट आंटी की प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. भाई देखो, संगत तो बहुत प्यारा प्यारा बोलती है, मुझे तो शर्म आती है. मैं तो वही सुनाऊंगी जो मेरे साथ आप बीती हुई है. ठीक है, सत्संग का मतलब होता है सच का संग. और मैं इतना रोजी रोजी नहीं बोल पाऊंगी जितना आंटियां अभी बोल के गई है. कपूर आंटी ने भी क्या मस्त बोला, मजा आ गया. और दर्शन आंटी हु वाज एन एयर होस्टेस विद द एयर इंडिया, शी स्पोक फैंटास्टिक. अनिल चोपड़ा अंकल, आई सल्यूट यू. यू हैव ऑलवेज बीन माय हीरो एंड ऑलवेज विल बी. गुरुजी के दरबार में बैठ के चोपड़ा अंकल के सत्संग सुने मैंने बथेरी बार. चोपड़ा अंकल नु गुरुजी एक बार मेनू कहंदे, ए अंकल ना पायलट हैगा, ए फाइटर चलांदा हैगा. तो मैं बड़ी, मेरे को शर्म आई, मैं चुपचाप बैठी रही. तो गुरु जी कहने, तू भी शर्मानी है, तू भी तो जहाज उड़ानी है. द डिफरेंस वॉज आई वॉज एग्जीक्यूटिव पायलट एंड ही बीइंग इन विद द एयरफोर्स फ्लाइंग द जेट्स. सो दैट वॉज अ डिफरेंस बट ऑल्सो अ मेजर डिफरेंस. इट्स नॉट इजी टू फ्लाई द फाइटर्स. सो गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई हो. मेरे प्यारे गुरु जी को बहुत बहुत बधाई हो. I remember in 2005, I did not know anything about Guru Purnima. और पहली बार Guru Purnima जब celebrate हुई है, तो मैं सबको पूछती थी, ऐसे, what is this Guru Purnima, Guru Purnima? I still remember रश्मि आंटी के हस्बैंड जो पंकज अंकल है, उन्होंने insist करके गुरुजी को ये Guru Purnima start करवाई थी, function in बड़े मंदिर. तो मैंने सोचा ये what the hell is this Guru Purnima? I've never heard of this. I come from a Punjabi family. सरदार जट सिंह फैमिली, हमारे पंजाब में तो ये गुरु पूर्णिमा कोई नहीं सेलिब्रेट करता. एंड ओवर द इयर्स इफ यू हैव नोटिस संगत जी, देयर सो मेनी चेंजेस. ऑल दीज पंडित्स जो गुरु जी कभी लाइक नहीं करते थे, और हम लोग भी मतलब के पंजाब में भी ना के बराबर लोग जाते हैं आजकल. तो सुबह सुबह आप शुरू कर दो तो बाबा, ऑल द पंडित्स विद ऑल द तिलक्स एंड ऑल दोज fancy clothes they are on the TV, and I guess that's how we all start our day. So better is not to switch on the TV before 9 o'clock if you really want to hear the news. So anyways, coming back to Guru Purnima, तो सबने मेरे को कहा, मैंने जाके फिर आंटियों को पूछा, तो कई आंटियों के पास जवाब था, कईयों के पास नहीं था. I think they were as lost as I was. तो ultimately मैंने मीनू आंटी को पूछा, मैंने कहा मीनू बहन जी, मैनू प्लीज दस दो व्हाट इज गुरु पूर्णिमा. आई डोंट नो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फंक्शन, हैविंग सच अ बिग फंक्शन इन द बड़ा मंदिर, एंड आई एम वांटिंग टू डू सेवा, बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन गिवन अ स्मॉल सेवा टू डू फॉर गुरु जी, बट मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस. एंड द स्वीटेस्ट रिप्लाई आई कुड गेट इज, बहन जी अज गुरु पूर्णिमा हैगी है, जेड़े थोड़े गुरु जी हैगे ने उन्हां दा शुकराना करना हैगा. किस बात दा शुकराना? इन्नी प्यारी जिंदगी दिती है, इन्ना सारा कुछ दिता है,
ये गुरु ने ही तो दिता है, अपना गुरु रब हैगा, आपा उदा शुकराना करना है। हां भैन जी, शुकराना तो करना है, दैट केम फ्रॉम माई साइड। सो संगत जी, आई गॉट द ऑपर्चुनिटी टू कि मैंने फूलों की सेवा करी। नीचे बेसमेंट में जहां गुरु जी की गाड़ी खड़ी होती थी, वहां से लेके ऊपर दरबार तक पूरी फूलों की सेवा करी। और गुरु महाराज वहां से गाड़ी आई, जब वो हुटर बजा, हम लोग सारे एकदम से खड़े होके, ऐसे खड़े होके देख रहे थे कि गुरु जी आगे। तो बाहर रंगोली एरिया से फिर अंदर दरबार में भागे, गुरु जी आगे। एवरीबॉडी स्टैंडिंग देयर, और सडनली गुरु जी महाराज अंदर आए। बहुत अच्छा लगा कि फूलों की सेवा करी, दैट पाथ वॉज डेकोरेटेड बाय मी, एंड गुरु जी ऊपर आए, आके गुरु जी आसन पे बैठे, कीर्तन शुरू हुआ। और जब उसके बाद में गुरु जी ने कड़ा अपना प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिला, दैट गुरु जी वॉज टॉकिंग टू संगत। मैं एक कोने में खड़ी हूँ, देखती रही, गुरु जी मेरे को देखे, और मुझे पता चल रहा था कि गुरु जी मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि मैं उस दिन दरवाजे पे खड़ी थी। और अचल अंकल ने जब कल सत्संग सुनाया, तो अचल अंकल, उनकी वाइफ और मैं वहां पीछे खड़े थे, और दरबार की सेवा थी, बिल्कुल डोर पे सेवा थी। तो आरती भी उस टाइम हुई, तो संगत बैठी हुई थी, संगत जी करतब तो जय गुरु जी नहीं होता था, करते करते आगे आई मैं, आगे आके आरती करी, गुरु जी को टीका लगाया, गुरु जी ने टीका भी लगवाया, और फिर वहां से वापस अपनी सेवा पे, वापस जहां गुरु जी का स्थान है वहां से मेन डोर पे वापस आई, अपनी सेवा पे खड़ी हो गई। गुरु जी मेरे को देखते रहे, जब मैंने गुरु जी को आरती करी और गुरु जी को टीका लगाया, गुरु जी ने ऐसे हाथ ऊपर करके स्वीकारा। बहुत यादें हैं, आजकल आप वीडियोस भी देखते हो जो संगत ने आम ही कर दिए हैं अगेंस्ट गुरु जी विल, बट प्रॉब्ली इट इज हिज विल इन टूडेज डेट। तो वहां खड़ी रही, पर मन में ये था कि मैं गुरु जी को, मतलब कि एक बोल दिया था, वी आर फौजी के जिनों के एक बार बोल दिया तो वो करना है। तो खड़ी रही वहां पर, खड़े, फिर चलो अनाउंसमेंट हुई, लंगर के लिए संगत चलेगी, एंड आई वॉक्ड अप टू गुरु जी, आई कॉट हिज हैंड्स एंड आई सेड थैंक यू गुरु जी। सो गुरु जी केम इन फ्रंट, एंड आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई कंफ्यूज गॉड। So Guruji came in front and he says, kis waste? I gave him a hug. I gave him a very tight hug, I remember, in the Bada Mandir, on that asan that you see there today. I gave him a tight hug and I said, Guruji, thank you so much. You have done so much for me. Aur ek itna pyara parivar ditta jehde mainu bahut pyar karde ne. Aur Sangat ji, aaj ki date mein, mujhe is baat pe garv hai ki maine apne guru ka shukrana kara. क्योंकि सारे मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बड़े मंदिर में, देहरादून संगत में, दिल्ली में, किसी टाउन में चले जाऊं, मेरे गुरु का बहुत आशीर्वाद है, बहुत संगत मेरे को प्यार करती है। तो उसी बात से आज गुरु जी का एक बार फिर से हाथ जोड़ के, नतमस्तक होके, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। टू स्टार्ट माई सत्संग, एक बार मेरे को बहुत बुरा बुखार हो गया, और इतना बुखार हो गया दैट आई वॉज 103 degrees, आई कुड नॉट गेट अप, आई कुडंट गो टू द वॉशरूम, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट मेकिंग अ मील फॉर माई सेल्फ और अ कप ऑफ टी। आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो ये सत्संग याद आ गया मेरे को, और मैं बैठी बैठी सोचती रही कि ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल ही मर जाऊंगी इस तरह से, ना मेरी माँ यहाँ पर, ना कोई और, एक छोटी सी लड़की थी मेरे पास में। एंड इफ यू हैव रिलेट टू द अर्लियर टू सत्संग्स दैट आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ गुरुजी मेड मी बैक गेट बैक टू फ्लाइंग आफ्टर 10 years, एंड द फर्स्ट फ्लाइट आई फ्लू राजनाथ सिंह एंड आई बिकेम द एग्जीक्यूटिव पायलट एंड ऑफ कोर्स द हाईएस्ट पेड को पायलट इन द होल कंट्री। सो मैं ये सारी बातें मैं मतलब के सोचती थी, ये बैठ के, मेरे ख्याल ये 2004-05 की बात हुई थी, उससे पहले की बात है, बिफोर आई वाज रीस्टार्टेड माय फ्लाइंग, कि मैं लेटी हुई एंड आई वाज डेड टू द वर्ल्ड, एंड आई हैड गॉट एन इनवाइट फॉर सुधा हुजा आंटीज नीसेस वेडिंग, एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं शादी में कैसे जाऊं, कि गुरु जी मुझे तो समझ नहीं आ रही,
मैं लेटी 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 एंड आई कुडंट इवन मेक अ मील फॉर माई सेल्फ. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स रानू जी शी कॉल्ड, शी सेज के व्हाट आर यू डूइंग. आई टोल्ड हर, आई सेड आई एम डाउन विद वायरस. She said, I'm coming over. I said, no, the doctor says you should not, because I don't want you to get it. So she says, then what are you doing about your meals and all? So I said, I'll manage, don't worry. So she says, can we come inside the house? I said, nahin, doctor ne kaha fail jayega. Aur pata nahin kahan se ye mere ko virus ho gaya. So lety, back pain, bure haal, ultiyan lagi hui. I was any day I would have gone. So wo din aaya jab Shalini aunty ki shaadi ki taiyariyan honi shuru ho gayi aur lady sangeet tha, mehndi ki rasam thi actually. To Sudha Ahuja aunty ke chote mandir mein hi, Sudha Ahuja aunty ke ghar mein tha. To maine kaha chalo main sare functions mein to nahi ja paungi, तो एटलीस्ट गुरुजी बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैं नहीं आई, या आंटी बुरा नहीं मानेंगी, तो मैं एक फंक्शन में जा आती हूँ. मैंने वो बेबी थी मेरे पास में, मेरे गांव की बहन, तो उसको मैंने बोला, मैं कि बेटा मैं ना गुरुजी पास जाके आनी हूँ, तो इतनी लेती रही. सो आई गेव हर सम ब्रेड टू ईट एंड लिटिल बिट ऑफ मिल्क, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो डाउन विद दैट वायरस. तो वो बेचारी रानो जी बाहर हमारे खाना रख देती थी, घंटी बजाती थी, हम उसका टिफिन उठा लेते थे, अंदर खाना खाते थे. And you know, sometimes we have nasty people also staying in our neighborhood. We have some nasty people staying in my neighborhood. So, jab wo khana rakh ke tiffin jati thi, ho jata tha kai bar main nahi uth pati thi. Mere neighbors utha ke mera dabba le jate the. And I used to be without a meal. I used to sleep without a meal. So, she used to say, khana mil gaya. She used to call. I said, nahi utha tha, koi hai hi nahi ga, kuch bhi nahi hai ga. So, log mera dabba chak ke le jande sige. तो एनीवेज मैं जब तैयार होके, जैसे तैसे तैयार होके, जैसे तैसे मैंने हॉली 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 हॉली, आई स्टिल रिमेम्बर 20-25 की स्पीड पे मैंने गाड़ी चलाई. माय बॉडी वाज बर्निंग, इट वाज बर्निंग, आई मीन यू कुडंट टच इट, आई प्रॉब्ली यू कुड मेक अ पैनकेक ऑन इट. तो मैं गुरुजी के पास पहुंची, वहां पर गेट पे गाड़ी खड़ी हुई, वहां से आई ड्रैग्ड माय फीट, कभी पेड़ को पकड़ूं, कभी किसी दीवार पे हाथ लगाऊं, हौली 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 मैं गुरुजी के दर पे पहुंची. जब मैं अंदर गई, इतनी वहां पर गुरुजी कैबिनेट पे खड़े थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे. जब मैं अंदर गई, जाके मैं मत्था टेकने ही लगी, मेरे से मुड़ा नहीं गया, और मैंने मत्था टेक, बस जैसे तैसे मैंने मत्था टेका और मैं खड़ी हुई. और मुझे आज भी याद है, मुझे गुरुजी ने बाजू से पकड़ा और मुझे खड़ा करा. और जब मैं खड़ी हुई तो गुरुजी ने इतनी जोर से मेरे को डांटा, तू इत्थे कित्थों आ गई है, तेनू कहने क्या सी आन वास्ते. एंड सडनली ही काम डाउन एंड ही सेड, होर आंटी ठीक है. आई मीन आई वाज कंफ्यूज्ड, यू नो, ही वाज स्क्रीमिंग एट मी. एंड देन सडनली ही सेज, आंटी ठीक है. आई सेड, हां जी गुरुजी. ते फिर तेनू किन्नी वारी क्या मुंह चकदी आ जानी है, खबरदार इतने आई है, फलाना तिमकाना, पता नहीं क्या क्या. मेरे को तो आई ब्लैंक आउट सो बैडली, मेरे को तो कानों में याद भी नहीं है कि क्या क्या गुरुजी बोल रहे थे. फिर गुरुजी कहंदे, तेनू इतने किने बुलाया हैगा. मैं गुरुजी तुसी, ते फिर गुरुजी हस पे. मैं क्या, सुधा आंटी ने भी कार्ड दिता सीगा, पर मैं गुरुजी, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है. जब मैंने बोला तबीयत ठीक नहीं है, फिर गुरुजी उची 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 चिक्के मारने, मतलब चिल्लाने नहीं लगे, चिक्के मारने लगे. वहां पर संगत कोई चूड़ियां पहन रही, कोई मेहंदी लगा रही, कोई कुछ कर रही, और मेरे को क्या मस्त डांट पड़ रही. और मैं बड़ी चमक धमक से कपड़े पहन रखी, और मैं इतनी बीमार कहने की हद नहीं. सडनली गुरुजी मेरे को कहंदे, गुरुजी फिर मेरे को डांटा गुरुजी ने, और फिर मेरे को कहा कि सुदांती ने तन्नू बुलाया हैगा. द मिनट ही सेड दैट, आई हैड एन आई टू आई कॉन्टैक्ट विद गुरुजी. व्हेन आई हैड दैट आई टू आई कॉन्टैक्ट विद गुरुजी, आई रिमेम्बर वॉकिंग थ्रू अ टनल. देयर इज नथिंग अराउंड मी, आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू द टनल. इट वॉज अ very dark deep tunnel. I walked through and through and through and through and through for a long time until I saw a small light at the end of the tunnel. And there, when I came very close to the end of the tunnel, I saw a little garden.
and before that garden could open up and I could see the whole view, Guruji ne apni aankh hatayi aur ekdam se wo view mera toot gaya. Guruji mainu kende ja baith ja mandir wala hai. Main baithi wahan par aur sangat ji jaise main baithi aur wo mehndi thandi thandi mere haathon pe lagne lagi, mera bukhar utarne laga. पर मैं डर गई थी कि गुरुजी ने मेरे को इतना क्यों डांटा, क्योंकि होता है ना जब डांट पड़ती है तो भूख प्यास भी मर जाती है और मेरे तो वैसी मरी हुई थी. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने क्यों मेरे को डांटा. तो मेरे मेहंदी भी लगवाई गुरुजी ने, मीनू आंटी थी वहां पर उनके साथ, मीनू आंटी मेहंदी गुरुजी ने मेहंदी ब्लेस करी. उनकी फैमिली में कोई मेहंदी नहीं लगाता था, इट वॉज अपशगुन इन द हाउस. तो गुरुजी ने उस दिन मीनू आंटी की मेहंदी ब्लेस करी और उनके साथ बिठाकर मेरी मेरे को भी मेहंदी लगवाई और हम दोनों के पीछे आके खड़े हो गए गुरुजी. और उन्होंने हम दोनों को खड़े होके देखा कि हमारी मेहंदी लग रही है. फिर गुरुजी ने हमें चूड़ियां दी पहनने को. आई स्टिल हैव गॉट 4 सेट्स ऑफ दो चूड़ी प्रसाद, आई स्टिल हैव देम. मन नहीं करता पहनने को, मैं निकालती हूँ, मत्था टेकती हूँ, रख लेती हूँ, गुरुजी के हाथ से मिला हुआ है. और फिर मैंने संगत को वहां पूछा तो अगेन किसी के पास कोई जवाब नहीं था. तब मैं सुधा आंटी के पास गई तो मैंने पूछा सुधा आंटी को, तो सुधा आंटी ने मेरे को कहा कि गुरुजी ने बेटा तेरे को नहीं डांटा, तेरे साथ में कोई आत्मा या प्रेत आत्मा थी, उसको गुरुजी ने डांटा. संगत जी, गुरुजी को हाजिर नाजर रख के एक चीज में बड़े मान से और बड़े शुक्राना से आपको कहती हूँ कि वो दिन है, आज का दिन है, पायलट आंटी को कभी बुखार नहीं चढ़ता. ये गुरु की कृपा है. मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कहने की हद नहीं. Kunal uncle, I am told you that I am not going to be telling a satsang today, but I think satsang chupana bhi ek zulm hoga. So with shukrana to Guruji and jo Guruji ne meri life mein mere liye kara hai, main shayad ek na cheez is cheez ko bhi main bata nahi sakti ki main kitni baar bhi bolun ya rom rom se shukrana karun, wo bhi kam rahega. जो सत्संग में नहीं सुनाना चाहती थी आज मैं सुनाऊंगी कि जनरल अहूजा. और वो सत्संग भी गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा से पहले ही मेरे को ब्लेस करा था, बट आई डिड नॉट नो देन इट वाज गुरु पूर्णिमा. तो वी वर इन ये 93-94 की बात है, 93 तो गुरुजी से मैं जुड़ी, 94 की बात है कि मैं बहुत ही यंग थी. आई वॉज अबाउट 23 ईयर्स ओल्ड अप्रोक्सीमेटली. तो गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जनरल अहूजा अंकल के घर जाते थे और वहां पर लंगर हुआ. हम सिर्फ 8-9 लड़के लेडीज थी वहां पर और 3-4 अंकल्स थे. तो हमने सबको लंगर हुआ, गुरुजी बैठे थे और हम गुरुजी के अराउंड बैठ के हमने लंगर खाया. और लंगर प्रसाद खाने के बाद में गुरुजी के साथ गप्पे भी बथेरी मारी, लंगर भी खाया. और बीच बीच में हम गुरुजी एक आधे आंटी से बात करते थे, पर कंप्लीट साइलेंस में हमने लंगर खाया. लंगर खाने के बाद में गुरुजी कहते चलो हम उत्ते चल दे. तो मेरे घर में क्या रवाज है कि मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे नेव्यूज हैं, मेरे ब्रदर लॉज हैं, उनको एक अजीब सी आदत है और पंजाब वालों को तो ज्यादा आदत है कि जब दोपहर में लेटते हैं तो कोई ना कोई जो घर में सेवादार होता है, जिसको हम सर्वेंट्स हमारे हमारे घर में नहीं बोलते हैं, जो सेवादार है हमारे घर में, तो उसको हम लोग बुला के तो वो बैठ के ना वो दबाता रहता है, लाइक कुटदा रहता है लता नो. तो क्या बोलते हैं आंटियां अंकल गुरुजी नु कुटदे हुंदे सीगे. तो वो सेवादार मेरे कजन्स नु कुटदा हुंदा सीगा. तो लंगर लंगर खा के सारे लेट जांदे सी, सेवादार कुटदा रहंदा सी. तो उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी ऊपर कहंदे आ जाओ हुण सारे जाने उत्तर आ जाओ, जिन्नी संगत हैगी है. असीं सारे ऊपर चले गए, ऊपर जाके लेट गए, सॉरी गुरुजी लेट गए. और मेरे में इतनी बचपना था, इतना आज मुझे बड़ा अजीब सा महसूस भी होता है पर मेरे को अच्छा भी लगता है कि गुरुजी ने मेरे को इतनी लिबर्टीज दी कि गुरुजी नीचे लेट गए. और नीचे लेट गए तो उनके साइड में मतलब 3-4 फीट पे मैं भी लेट गई. तो गुरुजी कहंदे संगत कहंदी आंटी तू की कर दी है. तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं क्या हा हा लंगर खा के लेटन दा ना मजा बड़ा आंदा है. तो गुरुजी कुछ नहीं बोले. तो गुरुजी हसी जान. थोड़ी देर बाद ना गुरुजी ने एक आंटी ने कहा आंटी लत्ता घुट. मैं वाह गुरुजी, मैं
क्योंकि मैं नई मिली थी, मुझे नहीं पता था कि गुरुओं के साथ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं उठ के बैठी हुई, मैंने कहा हाय गुरुजी, थोनू भी यही आदत हैगी है, मेरे ना ब्रदर्स है ने, मेरे ब्रदर लॉज है ने, उन्होंने भी यही आदत है, रोटी खाधी तो लेट जाओ तो लत्ता कटाई चलो। तो गुरु जी हसन लग गए, तो मैंने कहते इधर आ। तो मैं ना ऐसे अपने आप को ड्रैग करते हुए गुरु जी के पास जाके बैठी और मैं गुरु जी की बाजू को प्रेस करने लगी। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा मेरे को, मैं गुरु जी की बाजू को प्रेस करती रही। सडनली गुरु जी मैंने कहते इथे स्मेल कर। तो गुरु जी ने अपनी आम पिट में मेरे को कहा, मैंने कहा इथे क्यों सुनना है? तो गुरु जी कहते तेनू मैं कह रहे इथे स्मेल कर। तो मैंने स्मेल कहा, मेरे को कोई स्मेल नहीं आई। फिर थोड़ी देर में गुरु जी ने फिर अपनी नावी पे मेरे को कहा यहाँ स्मेल कर। और संगत भी इतना ललचाती हुई देख रही थी, आज मेरे को आंटियों की शक्लें भी याद आ रही हैं। तो गुरुजी ने मेरे को कहा इथे स्मेल कर। तो मैं बड़ी हेजिटेंटली स्मेल करा, फिर गुरुजी ने अपने कान में स्मेल कराया और थोड़ी देर के बाद में मेरे को कहते उठ खड़ी हो। मैं खड़ी हुई तो गुरु जी कहते वो सामने बाथरूम हैगा ना, उत्थे एक कप पिया, वह कप दे विच साडा सुसु हैगा, जस स्मेल करके आ। और संगत जी मेरी जो हंसी निकली, मैं तो हंस हंस के बुरे हाल। और मैंने कुछ गुरु जी को कहा सुसु को क्या स्मेल करना गुरु जी? गुरु जी कहते है कमली तू जाके स्मेल करके आ। मैं वहां पर बहुत ही हेजिटेंटली गई, आहिस्ता पीछे मुड़ के हंस हंस के देखती रही गुरु जी को और आगे गई। आगे जाके मैं बाथरूम में गई, वहां पर एक ब्लू कलर का मग था, मुझे आज भी याद है, और बिल्कुल ना के बराबर उसमें सुसु था। मैंने उठा के ना थोड़े से दूर से मतलब हेजिटेंटली उसको एक जेस्चर सा करा, नीचे रखा और मैं भागती वापस आ गई। तो गुरु जी कहते स्मेल किता? मैं कहा हां जी गुरु जी, क्योंकि करा भी था नहीं भी करा था। तो मैंने कहा हां जी गुरु जी। तो गुरु जी कहते तेनू की कहते ने की तेनू लग्या? मैं कहा मैनू कुछ नहीं लग्या गुरु जी। तो ना मेरे को कोई वो कोई खुशबू आई ना कुछ और हुआ। तो गुरु जी उठ के बैठे हो गए और गुरु जी ने ऐसे करके अपने दूसरे कान में मेरे को कहा हुण इथे स्मेल कर। संगत जी बिलीव यू मी, मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा सिर पकड़ के ना एक बैरल ऑफ खुशबू में डाल दिया हो, इतनी खुशबू आई। और मैं वहां पर आई फ्रोज और मैं बैठ गई वहां पर, चुपचाप बैठी गुरु जी को देखती रही। गुरु जी कहते इस सचखंड की खुशबू हैगी है। अज फिर संगत नु क्या कहते अज इस कुड़ी नु मैं दसम द्वार से दर्शन करवाए ने। तो मन तो करता था सत्संग सुनाने को, पर थोड़ी झिझक भी होती है कि सुनाऊं कि ना सुनाऊं। तो संगत जी ये कृपा सब पे बनी रहे, पर मैं कहती हूँ एक ही बस चीज आपको कहनी है, बार बार यही कहती हूँ कि जैसे तूर अंकल ने परसों आपको बोला 5 स्टेप्स हैं जो गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, ठीक है, वो है काम क्रोध लो मोह अहंकार। इट इज नॉट काम, इज दैट बुरे काम, कि आप वो सारे बुरे काम अपने अहंकार वो सब नीचे छोड़ के तब आप अपने गुरु को मिलो, फिर देखना। कहते हैं नीचो ऊंच करे मेरा ठाकुर, तेरी कुदरत को कुर्बान, तब देखना गुरु जी एक क्या बोलते हैं, जब आप अहंकार छोड़ के आते हो तो देखना जब आपका पात्र खुला होता है और आप यू आर रेडी टू रिसीव, जस्ट सी हाउ गुरु जी विल फिल योर बोल विद हैप्पीनेस। बिकॉज गुरु जी सेज When your bowl is full, I don't know, मैं पावा किथे जो तुसी एक्सेप्टेंस करने वास्ते तैयार ही नहीं हैगे। तो एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी मैं, कि मैं एक बार बड़ा शौक था मेरे को, तब मैं फ्लाइंग वगैरह नहीं, गुरुजी ने फ्लाइंग से रोक रखा था। मुझे बड़ा शौक था कि मैं ना ये लाल बत्ती वाली गाड़ियों में बैठती थी तो मैं बड़ा मजा आता था। तो एक बार क्या हुआ, there was a friend of mine who was an IG with, he was an IG at that time with the CRPF. तो मैंने उसको request करी, I said, can I take your car? He said, sure. So I said, I need to go to Guruji. So he said, sure. I said, आपको जाना तो नहीं है? He said, नहीं, वो आपको छोड़ के आ जाएगा। I said, okay. तो मैं वहां Guruji के पास गई, तो वो driver का नाम भी निर्मल था। तो मैंने निर्मल को बोला, मैंने कहा निर्मल तुसी ना, कहिंदा मैडम जी मैं कदों आवां? मैं कहा निर्मल तुसी ना 3-3.5 घंटे दे बाद आना, तो इन्ना टाइम तो मैनू गुरु जी पास लगेगा, हुण तुसी जाओ। तो मेरे पास उसका नंबर नहीं सीगा, तो आई वेंट इनसाइड और जाके जैसे मैंने मत्था टेका गुरु जी को,
तो गुरुजी मेरे को कहते लंगर खाओ जाओ। अरे बाप रे, आई तो फ्रोज बिकॉज आई हैड टोल्ड द ड्राइवर टू कम आफ्टर 3.5 आवर्स। सो आई टोल्ड गुरुजी, आई सेड एक ही गल बनी, मैं नहीं जाना। सो गुरुजी कहंदे मैं तेनू किया ना लंगर खाओ जाओ। तो अच्छा जी, तो समझ नहीं आए क्या करें। मैंने लंगर खाया, लंगर खा के सामने वाले प्लॉट में जहां हाथ धोते थे और जल प्रसाद पीते थे या टॉयलेट्स यूज करते थे, तो वहां पर मैं जाके संगत के बीच में आई ट्राई टू गेट लॉस्ट इन दैट होल क्राउड ओवर देयर। सडनली सिंगला अंकल केम सर्चिंग फॉर मी एंड ही से सेखू आंटी, सेखू आंटी, तब पायलट आंटी नाम नहीं था मेरा, तो सेखू आंटी कितने है? तो संगत ने कहा वो खड़ी है जी उथे। तो मैं जल प्रसाद के पास खड़ी थी एंड ही से गुरु जी बुला रहे ने। सो आई सेड ओके, सो आई रैन इन साइड, क्यों गुरु जी बुलाना है मीन्स टॉप सर्मन, भागना है। तो वहां पर मैं गई गुरु जी के पास, गुरु जी कहंदे तुनु आज्ञा है जाओ। अब मैं सोचू मैं जाऊं कहां, तो ड्राइवर आएगा 3 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद जाऊं कहां। तो मैं बाहर आके बैठ गई। जब मैं बाहर आके बैठ गई, और संगत जी मेरे को ना गुरु जी ने स्वरूप मना करे हुए थे, तो मैं आज की डेट में भी सिर्फ एक स्वरूप मेन जो हम मैंने बड़े मंदिर से गुरु जी से ब्लेस करवाया, दैट्स ओनली फॉर द देहरादून सत्संग दैट वी होल्ड इन देहरादून। अदरवाइज मेरे घर में या मेरे पास कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं है, बिकॉज मेरे को गुरु जी स्वरूप मना करके गए हैं। एंड ऑलवेज गुरु जी यूज टू से दिल विच वसा, दिल विच वसा। तो उस दिन मैं बाहर बैठ गई, आहिस्ता आहिस्ता संगत जाने लगी। अब मैं फोन किसको करूं, फोन नंबर तो मेरे पास था नहीं, फोन वहां पर अलाउड नहीं थे गुरु जी के वहां पर। तो बैठी रही मैं बाहर वरांडे में अकेली, जानी जो आए, मेरे को लगे मैं बोलूंगी तो मेरी आवाज जाएगी गुरु जी से और डांट पड़ेगी, मैं चुपचाप वहां बैठी रही। एंड द टाइम केम कि मैं बिल्कुल ऐसे दरवाजे के सामने आगे होके बैठ गई, और गुरुजी वहां से गद्दी से उठ के वहां आ गए अपने क्या बोलते हैं कैबिनेट के पास, और वहां आके खड़े हो गए। वहां से दरवाजा खुला था, मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे को गुरुजी के दर्शन तो हो रहे हैं। तो मैं वहां से खड़ी देखती रही, और सडनली ही सेज अर्जुन दरवाजा बंद कर दे। So I was really punished that day. तो मैं वहां बैठी और अंधेरे में अकेली बैठी, बत्तियां भी बंद कर दी, बिकॉज बत्तियां जलती हैं तो संगत आती रहती है, और बत्तियां बंद कर दी दैट मीन्स गुरु जी हैज रिटायर्ड। और गुरु जी हमेशा जब भी लंगर खाते थे संगत जी, मोस्टली मेरे को बुला लेते थे अंदर कमरे में, वहां बैठ के मेरे को कहते थे कि आंटी रोई ना, हूं तो दस तेरी प्रॉब्लम की हैगी है। और इन वेरेबली गुरु जी से बात करते करते गुरु जी को कोई प्रॉब्लम बतानी या कोई भी बात करनी, और गुरु जी के पास मेरे को अभी भी याद है गुरु जी ने लंगर खाना और मैं उनके चरणों में बैठी होती थी, और सुधा आंटी चपाती प्रसाद लेके गरम गरम लेके आती गुरु जी को खिलाती, और मैं उनसे बात करती करती एंड आई हैज टू एंड अप क्राइंग। गुरु जी कहते है कमली फिर रो पे नहीं है तू, मैं तेन क्या तू रोया ना कर। आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट में गुरु जी ने उसी कमरे में मेरे को कहा था कि मैं तेनू इन्ना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि तू दुनिया के मूहरे रोएंगे नहीं कदे। तो अब वो दिन तो बीत ही गए ऑलमोस्ट कि मेरा रोना ही नहीं निकलता है। मेरे को लगता है हाँ हमेशा माय बैकअप एंड माय स्ट्रेंथ इज गुरुजी एंड ही इज ऑलवेज अंगसंग, बहुत अच्छा लगता है। रोने की बात तो कोई रही नहीं जिंदगी में, जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी जानते हैं, उसका भी जो भी निवारण है, जो भी उसका निकालना है वो गुरुजी ने ही निकालना है, तो मैं क्यों रोऊं। तो गुरुजी है ना, तो रोने की क्या बात है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू दैट सत्संग, तो उस दिन मैं वहां बैठी रही सडनली क्या हुआ कि सिंगला अंकल वहां पर लॉकेट के प्रसाद बांट रहे थे, जो एक दो अंकल जा रहे थे अंदर से आज्ञा लेके। तो मैंने भी अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मेनू भी एक दे दो। कहंदे नहीं तेनू नहीं देना। मैं क्या अंकल प्लीज एक दे दो, मामा वास्ते दे दो। तो ही सेज ठीक है। तो ही गेव मी वन लॉकेट प्रसाद, और उस दिन तो बहुत ही मेरे को पनिश हुआ। तो मैंने वो लॉकेट लिया और मैं वहां हाथ में लेके बैठी, और उसी को बस ऐसे हाथ में लेके बैठी थी अंधेरे में अकेली। सिंगला अंकल भी अंदर चले गए, नॉट इवन अ लिटिल आउल आई सॉ दैट नाइट, बिकॉज इट वॉज नाइट टाइम सो यू कांट से अ बर्ड। तो मैं बैठी रही, वो टाइम भी ना बीते, 2 घंटे भी नहीं हुए थे, अब तो 3.5 घंटे करने थे मेरे को।
एंड बिफोर यू कुड से जैक रॉबिनसन फ्रॉम द किचन बाहर आ गए गुरु जी आके मेनू कहंदे तेरे हाथ च की हैगा। तो मैं एकदम खड़ी हुई, मैं डर गई, मैं एकदम से खड़ी हुई, मैंने हाथ खोले, मैं गुरु जी तुसी हैगे हैं। गुरु जी ने एकदम से हाथ मारा और कहंदे तेनू समझ नहीं आंदी, तेनू किन्नी बारी क्या हैगा, हले तेरा टाइम नहीं आया, स्वरूप नहीं रखना हैगा तू, जे कृपा चाहिदी है रब दी अपने दिल विच वसाओ। एंड फिर गुरु जी कहंदे 3.5 घंटे क्या सी ना ड्राइवर नू आन वास्ते। तो मैं खड़ी रही और गुरु जी नीचे खड़े, मैं ऊपर खड़ी, मैं भाग के नीचे आई और मैंने गुरु जी के चरण पकड़े और मैंने कहा गुरु जी मेरे से गलती होगी। तो गुरु जी ने फिर मुड़ के उस दिन कहा, कहते नेवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। तो संगत जी एक मैसेज आप लोगों को मैं यही देना चाहती हूँ कि नेवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। आजकल बहुत हंकार है, बहुत उछल कूद है। मैं अपना सत्संग सुना के आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बड़े मंदिर में भी थोड़े निमाने होके चलो, तभी कहते हैं ना नीचो ऊंच करे मेरा ठाकुर तेरी कुदरत को कुर्बान। जितने निमाने होके चलोगे उतना ही ऊंचा गुरु आपको उठाएगा। गुरु जी हमेशा कहते हैं आप 1 कदम चलो 10 कदम मैं चलूंगा, आपके कर्म मैं कटवाऊंगा। जब गुरु जी कटवा रहे हैं तो हमें डरना क्या। और एक और रिक्वेस्ट है, अब आप पुरानी संगत के सत्संग सुन रहे हो तो प्लीज पुरानी संगत को पकड़ के बड़े मंदिर में इतना अंकल मैंने आपका सत्संग सुना, आंटी मैंने आपका सत्संग सुना, बिकॉज माफ करना आंटीज एंड अंकल्स, हम शायद शक्ल से आपको ना पहचान पाए, पर हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर कृपा आई है पूरी संगत के ऊपर उसी तरह गुरु जी कृपा करें। तो संगत जी स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड और गुरु जी अपने चरणों शरणों का ओट आसरा दें सबको। बस इतना है कि एक भगवान कोई खिलौना मत बनाना, कि हर गली नुक्कड़ में सत्संग हो रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गुरु का गुणगान हो रहा है, पर यहाँ पर एक ये भी दौर चल रहा है कि आंटियां हैं अंकल काम पे चले गए, आंटियां कहती है भैन जी हुण की करा मैनू तो टाइम नहीं पास हुंदा, चलो गुरु जी का सत्संग कर लेने आ ते उस तो बाद आपा किट्टी कर लांगे। डोंट डू दैट इज मोस्ट ऑफुल थिंग टू डू। वो कहंदे ना माथे तिलक गल माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, भाई हरबंस सिंह का शब्द हैगा। मैं एक बार गई थी वहां बंगला साहब, वहां से मैं एक सीडी लेके आई और मैंने मेरे को ये था कि मैं अपने गुरु को दूंगी कि गुरु जी मैं नहीं जानती कि मेरे जन्मों जन्मों के कर्म कैसे हैं कि गुरु जी मेरे को बख्श दो। वो भाई मनप्रीत सिंह जी की थी और उसमें था बख्श दो महाराज अवगुण मेरे चितना धरो। मैंने जाके गुरुजी को वो सीडी दी और सीडी दे के मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैनू बख्श दो। गुरुजी कहंदे अच्छा ये तो कितों लेके आई है। तो मैं कह गुरुजी बंगला साहब तो, और उन्होंने डीजे अंकल की तरफ इशारा करा, इशारा करके गुरुजी ने कहा इनू दे बंगला साहब नू ए लगाऊगा। तो जब वो भाई मनप्रीत सिंह का वो सीडी चलने लगा ना, बस 1 या 2 लाइन ही उसने गाई थी, एकदम गुरुजी ने हाथ मारा बंद करवाया और मेरे को कहा भाई हरबंस सिंह सुनया कर वो असली करंट लगांदा है। सो विद दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ गुरुजी एंड संगत जी मैं आप सबसे आज्ञा लूंगी एंड आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को का बर्थडे है 7th को, और अ रे ऑफ होप इन एवरीबडीज लाइफ एंड मे गुरुजी ब्लेस एवरीबडी एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई डियरेस्ट गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आई रिक्वेस्ट रिंकू मेहता अंकल की वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु पूर्णिमा की गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और शुक्रिया गुरु जी। पायलंड आंटी सारा वो संगत जितनी भी पुरानी आई है मैं सुन रहा था और वो सारा लाइक टाइम याद आ गया सब कुछ। तो मैं गुरु जी की सिफ्त सलाह में उनके चरणों में उन बोलों से शुरू करूंगा जो गुरु जी के हाजरी हजूरी में गुरु जी की कृपा से उन्होंने हमें उस लायक बनाया और अपने चरणों में रखा, दोनों हाथों का आशीर्वाद दिया गुरु जी ने, प्यार दिया। और मैं उस दो बोलों से मैं शुरू करूंगा क्योंकि मैं सत्संग सुन रहा हूँ काफी देर से, कितनी कितनी मतलब गुरु जी की प्यारी प्यारी बातें, तो वो गुरु जी के टाइम का जो वो सारा याद आता है।
गुरु मिल गया सच्चा रब वर्गा, गुरु मिल गया सच्चा रब वर्गा, हुन सिफताएं दिया जग करदा, हुन सिफताएं दिया जग करदा, जेड़ा आंदा चोलियां नित परदा, आंदा चोलियां नित परदा, किस किस दी गल सुनावा मैं, अपने सोने सतगुर तो पल पल ही वारिया जावां मैं, अपने सोने सतगुर तो पल पल ही वारिया जावां मैं, अपने सोने सतगुर तो। कोई आंदा पेट चढ़ावण नूं, कोई आंदा दुखड़े सुनावण नूं, कोई आंदा पेट चढ़ावण, कोई आंदा दुखड़े सुनावण नूं, कोई आंदा मन परचावण नूं, मन परचावण नूं, मैं गुर दर्शन नूं आवां मैं, अपने सोने सतगुर तो पल पल ही वारिया जावां मैं, अपने सोने सतगुर तो। ये जी ये लाइना गुरु जी ली मैं और मेरी दीदी ने लिखिया 95-96 दे, और मैं असी छोटी जी हमारी डायरी होती थी वो, उसमें गुरु जी के हम लिखते रहते थे, अभी भी चल रहा है वो गुरु जी की कृपा से सारा काम, और लिख के हम लोग रख देते थे जहां पे जोत चलती थी, और उस डायरी में से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। और गुरुजी को हमने एक बार बताया भी था चंडीगढ़ में कि गुरुजी इसमें से बड़ी फ्रेग्रेंस आती है, तो गुरुजी बोले ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। तो ये सारे जो गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से गुरुजी ने रिकॉर्ड भी करवाए, तो मैं बस शुरू करूंगा कि पहले तो लाइक जैसे गुरुजी की वंदना घर से शुरू हुई, गुरुजी की, गुरुजी मिले, गुरुजी से जैसे ही मिलना हुआ तो सब कुछ लाइक यू नो उस एज में वो एज ऐसी होती है कि बंदा सोचता है कि मैंने ये बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मैंने इस यू नो इस चीज को अचीव करना है। तो मेरा गुरुजी की पता नहीं, वो गुरुजी ही जाने, उनसे वो जैसे कहते हैं ना कि तार कितने जन्मों से जुड़ी हुई है, तो बस यही था कि बस मेरा गुरुजी, मेरी सिर्फ जिंदगी की एक ही तमन्ना है कि मेरे को आप, मेरे को अपने चरणों में बुला लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और सच्ची में गुरुजी आज भी, चाहे गुरुजी ने मुझे यहाँ पे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं लाइक एक छोटे से गांव से उठ के लाइक कनाडा आ जाऊंगा, क्योंकि ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ मुझे मतलब अभी भी बस इसी चीज की तृप्ति है, इसी चीज का वो है कि गुरुजी जो मुझे चाहिए था, जो मेरे को चाहिए था मेरे गुरुजी के चरण, वो मुझे आपने वो सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो मैं भी जैसे पायलट आंटी ने बताया, मुझे ये था कि जैसे गुरुजी मतलब मीडिया से बहुत दूर रहते थे, और हम लोग भी, हमें ये था कि गुरुजी जैसे गुरुजी की कृपा है वैसे ही होना चाहिए, जैसे गुरुजी के आदेश हैं। तो मैं भी मतलब चुपचाप अपना गुरुजी के, अभी भी स्टिल गोइंग ऑन के गाने गुरुजी के चलते रहते हैं, अभी भी मैंने अभी गुरुजी के बर्थडे का लिखा है, मैं जरूर जाते हुए सुनाऊंगा आपको। और लेकिन जैसे जैसे बोलते ना कि समा 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 समर्थ, तो ये भी गुरुजी का हुक्म है कि आज हम लोगों को, मुझे गुरुजी का सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं सुनाऊंगा। जैसे गुरुजी जैसे डुगरी आते थे जलंधर, गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन जब गुरुजी ना, गुरुजी के भतीजी की शादी थी, गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन थी गुरुजी की डुगरी के, हम लोग ना जैसे सुबह सेवा करते थे दिन में, तो गुरुजी ने संगत भेजी हुई थी वहां से, मीनू आंटी और बहुत संगत दिल्ली से आई हुई थी, तब तो खैर इतना नहीं जानते थे किसी को, लेकिन जब गुरुजी का आदेश था कि आप सेवा करो, शाम को गुरुजी डीजे लगवाते थे वहां पे, और हम लोग बहुत नाचते थे, बहुत डांस करते थे कि गुरुजी ने आना है। तो जैसे ही गुरुजी आए, फिर जिस दिन शादी थी उस दिन उससे आई थिंक एक दिन पहले,
तो गुरु जी जैसे ही आए तो शाम को वहां पे पूरा टेंट वगैरह लगा हुआ था डुबरी गांव में, तो गुरु जी के साथ गुरु जी की संगत आई। गुरु जी उस दिन जैसे हम लोग देखते हैं ना, वो गुरु जी आते हैं उसमें ओल्गा आंटी, नीरज अंकल और पंकज अंकल सब लोग आए थे गुरु जी के, राहुल अंकल गुरु जी के साथ। तो डुगरी जैसे गुरु जी आए, हम लोग डांस कर रहे हैं, गुरु जी बैठे, गुरु जी ने दर्शन दिया, सबको प्रसाद बांटा और गुरु जी ने फिर बोला कि सभी डांस करो। सभी संगत जितना पंडाल भरा हुआ था सब डांस कर रहे थे। बोले गुरु जी ने कहा, गुरु जी का हुक्म है कि सभी करो। तो फिर गुरु जी ने सभी को लाश देकर भेज दिया। तो फिर गुरु जी तब डुगरी का मंदिर नहीं बना था, तो सिंहासन पे आकर गुरु जी बैठ के वहां पे, तो हम लोग फिर अपना डांस शुरू। गुरुजी ने इतना मतलब हम लोग इतना मतलब बहुत डांस किया। तो वहां पे मुझे नहीं पता था, देखिए उस दिन क्या मतलब गुरुजी की कृपा होने वाली है, क्योंकि उससे पहले गुरुजी ने मिलते थे, प्रसाद मिलता था, सब कुछ हुआ, गुरुजी ने दर्शन दिए, घर पे आकर दर्शन दिए। लेकिन वो एक जो ना एक कहते हैं कि जो गुरुजी का एक वो नहीं आया था अभी, जो 1-to-1 यू नो बोल जो गुरुजी बोलते थे सबसे, तो उस दिन वो हुआ जी। उस दिन क्या हुआ, ये अपने रश्मि आंटी के हस्बैंड, उन्होंने बोला, मेरे को अभी भी याद है, गुरुजी ये लड़का तो शाहरुख खान के जैसे डांस कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ड गुरुजी ने जो बोले, गुरुजी बिल्कुल जैसे बैठे हुए थे, एक लाख के ऊपर लात रखी थी गुरुजी ने अपनी, ऐसे उठे और मेरी तरफ ऐसे उंगली करके बोले, गुरुजी और अंकल एनु शाहरुख खान ही बना देना। तो वो तो मतलब जैसे ही गुरुजी ने ऐसे इशारा करके ऐसे बोला, तो मेरी तो ए मतलब पता नहीं क्या क्या धमाल, झूमर, पता नहीं क्या क्या डली वहां पे, इतना हम लोगों ने डांस किया मैंने तो गुरुजी के आगे। तो वो गुरुजी को बोले संगत के, गुरुजी इस लड़के को साथ ही ले चलते हैं दिल्ली। तो गुरुजी बोले नहीं, एनु साथ नहीं लेके आनू, आप बुलावांगे। गुरुजी जो मैं मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जो गुरुजी रिस्पेक्ट देते थे, जो गुरुजी ना मतलब बंदे को जो मैंने फील किया वहां पे, इतना मतलब मेरी आंखों से आंसू आते थे जब गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते थे, इतना गुरुजी ने प्यार दिया। शायद किसी के घर में जाकर, किसी के घर में या किसी कहीं भी जाकर मुझे को उतना प्यार, उतना आशीर्वाद नहीं कहीं मिला जितना गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में बुला के मेरे को दिया। तो फिर जी दिन आया गुरुजी का, गुरुजी की शिवरात्रि थी और गुरुजी का फोन आया, और मैं उस टाइम ना हमारे गांव में के पास ही एक थोड़ा छोटा सा शहर था पायल, वहां पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, मेरे पास काफी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। तो उस टाइम जिस टाइम गुरुजी का मेरे को फोन आया बोले तैयार हो जा, आ जा, फिर तेरा टाइम आ गया। अच्छा जी, जैसे, और मेरा तो मतलब धरती ऊपर थी, आसमान नीचे था, तो मैंने तो सबको भगा दिया वहां से। मैंने कहा बंद इंस्टीट्यूट, लॉक लगाया, और मैंने कहा गुरुजी का, और मेरे को समझ ना, मैं बताऊं किसको कि गुरुजी की कॉल आ गई है। तो फिर घंटी बजी फोन की, बोले कि अच्छे अच्छी ड्रेसेस डाल के आनी है, ऐसे ऐसे करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी की। मैंने कहा जी ठीक है जी, ठीक है जी। तो बस तभी मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन बस एकदम मतलब वो किया, तो हम लोग तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें जो गुरुजी के टप्पे हैं कि गड्डी चल दी है रोड़ा ते, गड्डी चल दी है रोड़ा ते, हो गुरुजी दे दर्शन नू संगत खड़ी गई मोड़ा ते, काला चोला ना पाया करो, काला चोला ना पाया करो, लोकी गौर नाल तक दे ना नजरा लवाया करो। तो फिर गुरुजी उसका क्या जवाब देते हैं, ये सब हमने फिर गुरुजी के आगे गाया बड़े मंदिर में। गुरुजी क्या कहते हैं कि काला चोला पावांगे, काला चोला पावांगे, लोकी पावे तक दे रहे असी दर्श दिखावांगे।
लोकी पावे तक दे रहे असी दर्श दिखावांगे। तो ये सारे चीजें हमने लिखी, मैंने फटाफट लाइक हम लोग दिन आ गया जी। फिर एक दिन पहले गुरुजी ने 2 दिन पहले हमें बुलाया और हम लोग गए जिस ट्रेन लाइक उसमें गए हम लोग ट्रेन में, धूरी से हमने ट्रेन पकड़ी। उस ट्रेन के डिब्बे में हम लोग 6 घंटे बैठे और 6 घंटे ही हम लोग ये चीजें लिखते रहे, गाते रहे गुरुजी के लिए। और हम लोग पहुंच गए छोटे मंदिर, तो गुरुजी ने प्रसाद, चाय प्रसाद दिया, सब कुछ बहुत आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, और हमें भेजा बड़े मंदिर। बड़े मंदिर से हमें किसी संगत के घर भेजा। हम अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 बजे उनके घर पे पहुंचे, तो हमने फ्रेश फ्रेश होके 6-7 जाने थे हम लोग, हमारे पास एक ढोल था। तो अब मुझे नहीं पता था, अब हम लोग गांव से गए हुए, हमें क्या पता जी यहाँ पे गुड़गांव में ये मतलब ढोल बजा नहीं सकते। अब 3 बजे हैं सुबह के, वो संगत के घर में बोले जी आपको चाहिए क्या बताइए। मैंने कहा जी हमें तो प्रैक्टिस करनी है, गुरुजी का कल फंक्शन है तो हमारी प्रैक्टिस बड़ी कम हुई है। तो एकदम गुरुजी ने बुलाया, बोले ठीक है जी आप करो। तो 3 बजे हुए हैं संगत जी, हमें नहीं पता था उनका उनके घर का एक सदस्य हॉस्पिटल में है और हम उनके घर में ढोल बजा रहे हैं, गुरुजी के गुणगान कर रहे हैं। तो ये सब ये चीजें बाद में मतलब गुरुजी ने सपने में बताया कि उनका कल्याण किया था, जो उनके मेरे ख्याल में शायद फादर साहब थे उनके हॉस्पिटल में थे। तो हम लोग जी अपना करके सो गए और सुबह उठे, सुबह गौरव भैया आए, गुरुजी ने भेजा गौरव भैया को, तो हम बड़े मंदिर गए। तो वहां पे जैसे ही पहुंचे हम लोग तो हॉल में हम लोग तैयार हो रहे हैं और वहां पे ना एक सिंगर लगे हुए थे पहले ही, उसके पास तो पूरे म्यूजिशियन थे। तो मतलब मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा यार इसके पास तो, मैं अपने उनसे बात करने लगा कि मैंने कहा इनके पास तो सब कुछ है तो ये तो गुरुजी मतलब हमारा तो किसी ने सुनना ही नहीं। यहाँ पे स्टेज लगी हुई थी जहाँ पे गुरुजी की अभी समाधि है, वहां पे स्टेज लगी हुई थी, गुरुजी बिल्कुल सामने बैठे थे, बड़े मंदिर के जो मेन गेट है उसके बिल्कुल बगल में गुरुजी की सिंहासन था गुरुजी का। और वहां पे लेकिन गुरुजी आए नहीं थे। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, गुरुजी आप आओ, मैं गा रहा हूँ आप आओ। तो मैं सिंगर ने बड़ी रिक्वेस्ट की लेकिन गुरुजी नहीं आए उस टाइम। लेकिन मैं बड़ा अंदर से डरा हुआ था कि मैंने कहा गुरुजी अब हमारे पास तो अकेला ढोल है, ये बेचारा क्या करेगा, ये म्यूजिशियंस है उनके पास, तो ये तो कितना अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। तो हम लोग जैसे ही स्टेज के पीछे पहुंचे, देखिए गुरुजी ना मतलब अब मुझे जैसे हम वो नीचे उतना हम लोग स्टेज के ऊपर गए, ऐसे सामने देखा तो गुरुजी उस पे बैठे हुए हैं। तो मेरा तो एकदम हौसला हो गया कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने लाज रख ली। तो जो मेरे साथ ढोल वाला था बोले कोई बात नहीं रिंकू तू फट्टे चक दे बस तू शुरू कर। तो वैसे जी हमने ये सारे भजन गुरुजी के सुनाए। तो फिर गुरुजी ने मैसेज भेजा कि एक अच्छा सा गाना सुनाओ पंजाबी। तो हमने गाया था कि तेरे कणक दी राखी मुंडिया वे हुण मैं ना बहिंदी, वो वाला सुनाया। तो उसके बाद मुझे तो ये था कि मतलब मेरे तो वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि पाँव में जमीन पे पाँव ही नहीं लग रहा था कि गुरुजी ने मतलब इतना आशीर्वाद इतना मतलब कर दिया है कि बुलाया है। तो हम लोग भी वैसे फंक्शन खत्म हुआ तो हम लोग लाइन में लग गए। तो मुझे ये था कि हो गया फंक्शन, अब गुरुजी बोलेंगे कि जाओ। तो जैसे मैं मत्था टेकने लगा वहां पे गुरुजी को, गुरुजी ने साइड पे मेरे को बिठा लिया, बोले यहाँ साइड पे आ जा। मैं बैठ गया, मैं कहा जी सभी मेरे साथ बैठ गई मेरी टीम। तो उसके बाद गुरुजी 5-10 मिनट के बाद मुझे बोले कि अंदर चलो बड़े हॉल में। तो ठीक है जी हम लोग हॉल में चले गए। तो हम लोग जाकर जैसे गुरुजी आते थे ना गुरुजी के रूम में से, वहां के डोर के पास बिल्कुल मैं बैठ गया और पीछे वॉल पे लगकर हम लोग ना सभी बैठ गए। तो तकरीबन आधे घंटे बाद गुरुजी वहां से निकल के आए पीछे से। तो बोले गुरुजी देखने लगे किथे गया। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा हाँ जी गुरुजी रिंकू, गुरुजी ने आवाज दी रिंकू किथे गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं उठ के खड़ा है कंजर तू बैठना आया थे चल डांस कर। सारी पंजाब की संगत को गुरुजी ने भेज दिया जी उस दिन। और पहले तो फंक्शन हुआ तो फिर गुरुजी का डांस शुरू हुआ,
फिर जो दिल्ली की संगत थी बहुत कम लोग वही हॉल में थे, डांस शुरू हुआ जी, चलो भी अकेले अकेले डांस हो रहा है पूरे हॉल, गुरु जी की कृपा से बहुत डांस हुआ, फिर टीम के साथ, फिर संगत लग जाती थी, फिर गुरु जी सबको बिठा देते थे कि सब बैठ जाओ, फिर अकेले आ जा, फिर मेरा गुरु जी कृपा से अकेले में, फिर टीम के साथ, फिर संगत के साथ, क्योंकि संगत का एक्चुअली गुरु जी की रुक नहीं पा रहा था उस टाइम कोई भी, कि ये था कि गुरु जी हम भी नाचे, हम भी नाचे, तो सभी आ जाते थे, तो फिर गुरु जी बिठा देते थे, फिर अकेले आ जा रिंकू चल वही। सारी रात उस दिन शिवरात्रि को गुरु जी ने डांस करवाया, सारी रात पूरा डांस हुआ, सभी धीरे धीरे गुरु जी ने सबको भेजते गए, लेकिन हमारा डांस नहीं रुका जी उस दिन, उस रात, सॉरी दिन रही रात, उस रात हमारा डांस नहीं रुका। तो उसके बाद तकरीबन लाइक 3:30-4 हो गए गुरु जी के, लाइक गुरु जी थे, हम लोग थे, और बस थोड़ी सी संगत सी, अब लाइक 5-7 लोग रह गए थे। तो गुरु जी ने मेरे को बुलाया, संगत जी ये मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया, और बस गुरु जी की कृपा थी मेरे को, गुरु जी मैं खड़ा हूँ गुरु जी के पास, और गुरु जी ने मेरे को बोला जा मांग ले की मंगना। मैं गुरु जी ये मेरे साथ दूसरी बार था ये, मतलब मेरे पहले भी मेरे संतों, किसी संतों ने मेरे से ऐसे ही मतलब मेरे से वचन किया था गुरु जी, या मंग की मंग, पर गुरु जी का वचन तो गुरु जी दा गुरु जी कहने मंग की मंग रहा, मैं गुरु जी तुसी चाहिए हो, गुरु जी ने नीवी पाई, गुरु जी ने नीवी पा के मैं भी नीवी पाई, गुरु जी मैं गुरु जी तुसी चाहिए हो, थोड़े चरणा का प्यार चाहिए। फिर गुरु जी खड़े रहे काफी देर, फिर मेरे वाल देखे कहते जा मंगला है, मंगना की मंगला है, मैं गुरु जी तुसी चाहिए हो, थोड़े चरणा का प्यार चाहिए, होर की चाहिए महाराज। गुरु जी फिर खड़ गए उसे दिन, फिर कहते वो मंगला है, मैं गुरु जी तुसी चाहिए हो, मैं बहुत प्यार ना गुरु जी का, मैं फिर गुरु जी तुसी चाहिए हो, कहते जा तेरा नाम होगा। गुरु जी ने बहुत ब्लैसिंग दिखती, बहुत ब्लैसिंग दिखती संगत जी, और फिर गुरु जी किसी ने गल करन लगे, फिर मैंने दोबारा बुलाया, कहने बस च जाना है, ट्रेन च नहीं जाना है वापस पंजाब। और संगत जी मेरे मन में उस टाइम ये था कि गुरु जी, मेरे मन में ये था कि गुरु जी शायद मेरे पास उतना किराया नहीं है अभी, मैं मुझे ट्रेन में जाना पड़ेगा, मैं मन में कह रहा हूं उनसे। लेकिन गुरु जी संगत से बात करने लगे, उसके बाद मेरे को फिर बुलाया, मैंने कहने बस चले जाए, मेरे मन में बोल रहा हूँ कि गुरुजी मेरे बस में नहीं जा सकता, मेरे पास इतना, मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी है नहीं इतना, लेकिन चलो गुरुजी की जो इच्छा। संजय जी पता नहीं, अच्छा उसके बाद सुबह के बज गए 4:30, ये बातें करते हुए गुरुजी के पास खड़े रहे, बातें करते रहे, खूब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई। बीच में गुरुजी ने जब डांस स्टार्ट होना था, गुरुजी ने अपना प्रसाद भेजा, जो गुरुजी खुद प्रसाद लेते थे उसका गुरुजी ने अपना खाया हुआ प्रसाद हमको, मेरे को भेजा, गुरुजी ने स्पेशली बोला कि उन्होंने कहा है मेरा प्रसाद है, कुछ नहीं छेड़ना दे बच्चों, सो वो सिखाया। और जाते हुए गुरुजी मैंने कहते चंगा फिर सारे मंदिर की सफाई करके जानी है, ठीक है गुरु जी। तो हम लोग 6 जने थे जी, पंजाब के लड़के 6-7 जने, हम लोगों ने सब गुरुजी की, सब चले गए, गुरुजी भी चले गए बड़े मंदिर को, हमने गुरुजी कृपा से हमने पहले झाड़ू लगाया, सब पूरा A to Z जो भी जितना भी हमसे हो पाया हमने किया। तो फिर गुरुजी ने कक्कड़ अंकल की ड्यूटी लगाई थी, तो हम जैसे ही कक्कड़ अंकल की वैन में बैठे, हम थके इतने हुए थे, सभी सो गए, तो मैंने तो उनको मैं बताना ही भूल गया कि आपने बस स्टैंड जाना है, वो हमें ले गए रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही हम लोग वहां पे बोले जी उतरो आपका आ गया, आपने सुबह के मेरे ख्याल में 6-7 बज गए थे, तो मेरे मन में आया, मैंने कहा जी चलो शायद गुरुजी अच्छा हुआ, मैंने कहा चलो ट्रेन में ले आए। तो हम लोग बैठे बैठे, जैसे ही हम लोग टिकट्स ली हम लोग ने खन्ने की, संजय जी आप देखिए गुरुजी का मतलब क्या क्या जाने पता नहीं क्या था उन्होंने, क्या कैसे क्या चीज को कैसे कन्वर्ट किया, जो गुरुजी जाने कभी मुझे बताया नहीं उन्होंने,
बाद में भी हम लोग ने टिकट ली खन्ना की, संगत जी वहां पे ट्रेन ही नहीं रुकी खन्ने में, हम लोग बिल्कुल बैठ गए थे कि खन्ना आ गया बस, इसके बाद गोविंदगढ़ के बाद खन्ना आ गया तो हम यहाँ पे उतरेंगे, वहां पे ट्रेन रुकी जाकर लुधियाना। और जैसे ही हम लोग उतरे वहां पे चेकर आया, उन्होंने बोला जी आप की तो टिकट खन्ने की, आप उतरे नहीं, आ जाइए। ऑफिस में ले गए और जितने पैसे मेरे वहां से बचने थे तो वहां पे उन्होंने ले लिए। तो फिर गुरुजी का भी, गुरुजी से भी बात हुई कि बोले दे दे नू पैसे दे दे, मैं कहा ठीक है गुरु जी। सो ऐसी ब्लेसिंग्स गुरु जी दी ये तो। बाकी एक मेरे को याद आई एक और सत्संग, पायलट आंटी आपके आपने सत्संग सुनाया तो मेरे को एक और सत्संग याद आया। मैं और मेरे मम्मी गुरुजी के ना मतलब जैसे छोटे मंदिर में गुरुजी, ये तो चलो खैर बड़े मंदिर में तो अब काफी मैंने भी वीडियो देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, गुरुजी के सामने हम लोग गुरुजी के गा रहे हैं और गुरुजी की पाई बैठे चोला लाल नियो की दामा ही। लेकिन एक बार छोटे मंदिर में तो ऑलमोस्ट गुरुजी हर वीक किसी ना किसी का बर्थडे होता था या किसी ना किसी, एक बार ना एक आंटी आई, गुरुजी मैंने कहा चल कंजरा डांस कर, तो मैं क्या ठीक है गुरुजी, तो शुरू हुआ। बस कभी कभी तो गुरुजी पास में नहीं आने देते थे, किचन में मेरी ड्यूटी होती थी और जैसे ही किचन में से निकला चलो भी स्टार्ट, मैं गुरुजी मत्था नो मत्था नहीं टेकना स्टार्ट इतो ही स्टार्ट हो जा, तो डीजे अंकल बोलते थे क्या लगाऊं, मैं अंकल जो मर्जी लगा दो अब तो आप कुछ भी लगा दो बस फटाफट, उनको भी इतना फास्ट होता था गुरुजी का मतलब काम। तो वैसे जैसे शुरू हुआ तो गुरुजी ने उनको पहले बोला था कि आंटी कल अपना अल्ट्रासाउंड करा के आए, कोई आंटी थी बैठी। तो जैसे डांस स्टार्ट हुआ एक दो गाने हुए तो गुरुजी बोले चल डांस कर, उन आंटी के साथ मैंने बहुत डांस किया, काफी डांस हुआ। उसके बाद गुरुजी बोले चल तेन अल्ट्रासाउंड की भी लोड़ नहीं, जा तेरा कल्याण कर सब क्लियर। सो ऐसे गुरुजी कभी किसी का बर्थडे होता था या मैरिज की एनिवर्सरी होती थी तो गुरुजी बहुत मतलब वो करवाते थे किसी ना किसी साथ से, किसी ना किसी के साथ गुरुजी नचवाते थे या गुरुजी खुद बहुत खुश होते थे। तो जस्ट वांट टू थैंक गुरुजी के थैंक यू सो मच गुरुजी, आपके आपने हमें इतना इतना नवाजा उस चीज से, तो आपके चरणों में हम तो मतलब मैं तो सात जन्म लेके भी उनका कुछ शुक्राना कर पाऊं तो भी नहीं, वो कम है। तो फिर गुरुजी ने एक बार मेरे को बोला कि जा मेरे गाने बना के लेके आ। तो संगत जी मैंने ये इसीलिए तो फिर ये गाने जब पढ़े थे 10 साल के तो फिर रिकॉर्ड हुए कि जिसमें मैनू चाहिदा ना मैल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रवे शान, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, मैनू चाहिदा ना मैल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रवे शान, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, गुरु जी मैनू चरनी ला लो। तो ये वाला हमने रिकॉर्ड करवाए तो फिर गुरुजी ने सुने जी, फिर डीजे अंकल को बोला चल उनकी ड्यूटी, वो बाद में मेरे को बताते थे गुरुजी सुनते रहते थे गाड़ी में भी यहाँ पे घर पे आके। तो फिर गुरुजी ने इजाजत की कि ये गुरुजी के दरबार में चलेंगे। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने जी बहुत कृपा की, तो थैंक यू गुरुजी आज के दिन के लिए, और जो भी है आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई गलती कभी हो गई हो आपके दरबार में तो गुरुजी माफ कीजिएगा। तो संगत जी अब मैं 2 लाइनों के साथ इजाजत लूंगा क्योंकि मैंने अभी लाइक परसों चौथी एक गाना लिखा है गुरुजी का, तो गुरुजी का बर्थडे भी है परसों, तो मैं आपसे इसके एक स्थाई और एक अंतरा जरूर शेयर करूंगा। ये हो दिन शगना दयावे नाल खुशियां ले आवे, हो दिन शगना दयावे नाल खुशियां ले आवे, खुशी जांदी नहीं हो मैथों है छुपाई, 7 जुलाई आई संगतो 7 जुलाई आई, गुरु जी दे जन्म दिन दी
हो गुरु जी दे जन्म दिन दी सब नु होए वधाई 7 जुलाई आई संगते 7 जुलाई आई पहली वधाई बेबे जी नु जिसने लाड लड़ाया दूजी वधाई बापू जी नु दिता प्यार लिटाया पिंड दुगरी नु नमन करा मैं हो पिंड दुगरी नु नमन करा मैं ओ जिथे गुड़ा ने अलख जगाई 7 जुलाई आई संगते 7 जुलाई आई गुरु जी दे जन्म दिन दी सब नु होए वधाई 7 जुलाई आई संगतो 7 जुलाई आई। तो इस तरह से 7 वधाइयां है जी, वो 7 वधाइयां गुरु महाराज ने कृपा की रिकॉर्ड करांगे। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू गुरु जी, गलती फलती माफ जी, अपने चरणों दे कोल रखियो गुरु महाराज, थैंक यू। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट विशाल अंकल की आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एंड मे गुरु जी ब्लेस अस ऑल एज ही ऑलवेज डज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अगेन एंड दर्शन आंटी एंड पायलट आंटी You again took us back today to those lovely times at in Empire State and those little precious things what Guruji used to tell each one of us. And अब आज सुनते हैं वापस तो फिर वही बीच में जब मीनिंग समझ आता है तो रियलाइजेशन होती है कि हमारे से ऐसी बातें गुरुजी कितनी करते थे each one of us सबके साथ, लेकिन शायद तब हम इतने मैच्योर नहीं थे या हमें समझ नहीं थी और हम उस चीज को उस तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते थे। एंड वो कॉमन चीज जो निकल के एक बार ये आती है कि गुरुजी मजाक मजाक में ऐसी सीरियस बात कह जाते थे कि आधा टाइम तो हमें समझ ही नहीं आता था कि इसको हाउ डू वी टेक इट, डू वी एक्चुअली डू वॉट गुरु जी सेइंग और डज इट मेक सेंस और इज गुरु जी मेकिंग फन ऑफ अस, कि गुरु जी मजाक कर रहे हैं, गुरु जी टेस्ट कर रहे हैं। सो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन होती थी। एंड जैसे जैसे हम लोग जाते थे गुरु जी के पास, एक तो हमारा नाम दोनों का लव स्टोरी रख दिया था गुरु जी ने, तो वो जब भी जाना तो हर किसी ने आओ जी लव स्टोरी आ गई, तो वो हंसी भी आती थी, अच्छा भी लगता था और गुरु जी प्यार ऐसा देते थे जैसे मैं आई वॉज टेलिंग यू लास्ट टाइम। सो इट वॉज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दोज टाइम्स वेन वी यूज टू बी देर। सो हाउ इट यूज टू हैपन वॉज कि टाइम का एक्चुअली पता नहीं लगता था हमें कि कब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आता था और वो 4 दिन कैसे निकल जाते थे। बट वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, यू नो गुरु जी ने कभी हमें मना नहीं किया था आने से, क्योंकि देर वर टाइम्स वेन सम इंडिविजुअल्स इन दी संगत वर टोल्ड कि आपने साल में एक बार ही आना है, 6 महीने में एक बार ही आना है। आप सोच के देखो अगर गुरु जी के पास आप जा सको और वन फाइन डे गुरु जी जस्ट सेज कि आंटी तू 3 महीने च एक बार ही आना है, जिस आदमी के साथ होता था उसके लिए इट वॉज सो डिफिकल्ट, यू नो कि मना कर दिया, वो आप गेट पे भी नहीं आ सकते थे एम्पायर स्टेट के, लीव अलोन की गुरु जी को मिलना है। सो थिंग्स वर ऑन, वी वर स्पेंडिंग दैट टाइम विद गुरु जी, लिटिल थिंग्स यूज टू हैपन, लाइक किशोरी अंकल वुड बी देयर विद गुरु जी दोपहर को, जैसे किशोरी अंकल हमारे लिए ये बड़ी गुरु जी की फ्रेग्रेंस वॉज समथिंग विच एवरीबडी यूज टू यू नो इंजॉय इन अबंडेंस, मतलब कोई कमी नहीं होती थी। और हमारे लिए थोड़ा सा वो एक टेम्पटिंग ये होता था कि किशोरी अंकल वुड बी लोडेड विद गुरुजीज फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो सारा दिन गुरुजी की मालिश कर रहे होते थे, उनकी शेव करते थे, हर चीज गुरुजी को नहलाना उन्होंने। एंड हम तो अब गुरुजी को तो हम जाके हर समय हग नहीं कर सकते थे, मेरा तो मैक्सिमम ये होता था कि मैंने जैसे ही गुरुजी के सामने जाना और मैंने फटाफट गुरुजी के पैर पकड़ लेने और सर नीचे करके थैंक यू गुरुजी करके पीछे आके बैठ जाना। एंड आशमा एक दो बारी मतलब शी वॉज यंग ऑल्सो और इसको होता था कि हम आगे चल के बैठते हैं, गुरु जी के पास चल के बैठते हैं, कि सब लोग गुरु जी के पास बैठे हैं, हम क्यों नहीं पास बैठते हैं। आई वुड ऑलवेज से नहीं नहीं हम पीछे बैठते हैं। तो वो पीछे हम बैठते थे लेकिन कभी ऐसे नहीं होता था कि हमें गुरु जी
उतना प्यार नहीं करते थे, गुरुजी सबको उतना ही प्यार करते थे। हम सबको हमारी जितनी जरूरत या हम जितना डिजर्व करते थे, गुरुजी उससे ज्यादा हमें प्यार देते। एंड आशमाज मदर एंड हर सिस्टर देवर ऑल्सो आई टोल्ड देम, आई सेड आप आओ हमको गुरुजी के पास चलना है। तो मम्मी को मैं लेके गया पहली बारी एंड गुरुजी से इसकी ये विशाल दी मम्मी है, तो कहते नहीं जी, कहते नहीं तू असल मम्मी है जी। और उस दिन से गुरुजी ने हमारा एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया कि मेरे मदर का मतलब आशमा के मदर मेरे मदर हैं। एंड इट वाज सो कि गुरुजी ने ऐसी बात बोली कि द काइंड ऑफ डिस्कशंस मी एंड मम्मी डू विद ईच अदर, आई थिंक आई डोंट डू इट विद माय ओन मदर। एंड इट एक्चुअली प्रूव्ड दैट वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि what I could confide in her, what I could share with her, what I could discuss with her, you know. Guruji cemented our relationship in such a way. He's just saying it once. And it's such a beautiful, his way was so beautiful. And हम लोग जाते थे, ये लोग आते थे शाम को, हम लोग लंगर खाते थे। आशमा के father, he was senior commander with Air India, as I told earlier. And he did not, you know, he would not want to come to Guruji. आशमा का बड़ा मन होता था कि गुरुजी के पास आए एक बारी, पापा माता टेकें। अब वो लॉन्ग फ्लाइट से आते थे, उनको होता था मैं सीधा अपने होटल जाऊं एंड आई हैव माय ड्रिंक एंड ऑल। सो दिस वाज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट आशमाज मदर वाज अ वेरी सेंसिबल लेडी, वो एक बारी एयरपोर्ट से ही इनको हम लोग एम्पायर स्टेट आ गए, आई वॉज नॉट देयर एंड विद लॉट ऑफ रिलक्टेंस ही एंटर्ड एंड ही सेज कहां ले आई हो तुम मेरे को। She says, आप चलो तो सही गुरुजी को आज मिल लो। एंड ये अभी खड़े ही थे वहां पे किचन के पास एंड गुरुजी वॉक्स आउट ऑफ द रूम, नीचे वाले कमरे में से गुरुजी बाहर आते हैं एंड ही लुक्स एट हिम। ये तो पायलट बड़ा औखा हो गया है आज इन हिज वे, जैसे मजाक करके बोलते थे। एंड पापा वॉज यू नो ही वॉज हम्बल इनफ की एकदम गुरुजी के पैर छुए एंड उनको माथा टेका। So, वो that was the first instance he went to him and बैठे लंगर खाया उसने। एंड कुछ समय बाद मतलब आशमा की मम्मी को एक दिन गुरुजी ने बुलाया एंड ही सेज कि वो कैप्टन जड़ा ना बहुत अच्छा बंदा है, वधिया इंसान है, उन्हें तेरी बड़े साल उन्हें तेरी सेवा कीती है, हुन तेरा टाइम है। सो दैट वॉज द टाइम ही टोल्ड हर एंड इनको बोला कि तुम लोग वापस बॉम्बे चले जाओ। So in the meanwhile, what was happening was कि हमारी शादी का it was getting delayed by because my sister had to get married before us. So हमारा वो पंगा चलता रहता था और गुरुजी को पता था कि they want to get married and जब भी हमने directly या indirectly message भिजवाना तो कभी जवाब मिलता था कुछ, कभी नहीं मिलता था। And तो एक दिन गुरुजी ने इसको आशमा को बुलाया और कहते 7:15 रत्ती था ना अगले वीरवार ओम लेके आई सोने च बनवा के। एंड शी वॉज थ्रिल टू द कोर की बस अब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर देना एंड दिस टाइम थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और वही गोल लॉकी वाली कहानी हुई, ये घूमते रहे जीके में वसंत विहार में, दे वेंट टू ऑल दी शोरूम साउथ एक्स, इनको ओम ना मिले उसका 7:15 रत्ती का। इन्होंने थर्सडे आ गया, थर्सडे दोपहर हो गई, इन्होंने कहीं से जाके करोलबाग गए आई थिंक, वहां पे जाके किसी ज्वेलर से तोड़ ताड़ के ओम बनवाया 7:15 रत्ती का। दे रश टू गुरुजी, सो आई वाज देयर, शी वाज देयर, आशमाज मदर वाज देयर एंड ऑल थ्री ऑफ अस। गुरुजी ने ओम पकड़ा हाथों में लिया और ही जस्ट लुक्स एट मी, आज आके अपनी भैन दे गल छपा दे। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। आशमा वाज मैड एज ऑलवेज की ये क्या हुआ, मतलब पूरा एंटी क्लाइमेक्स हो गया ये तो। और इट वाज लाइक हम बाहर आए तो जैसे गुरुजी कहते थे तो लड़ती बहुत था, वो तो फिर वही कहानी होगी कहते लो हमें भगाते रहे गुरुजी और चके वो गले में उसके डाल दो, वो व्हाट इज दिस, गुरुजी क्या करते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आती। एज ऑलवेज आई सेड यू Stay quiet because Guruji knows what is the right thing to do and there's no point, या तो तू अंदर जा और गुरु जी को खुद पूछ ले। अब पूछने की हिम्मत तो बड़ी दूर की बात है, आप मतलब सोच ही नहीं सकते,
गुरुजी का ऑरा या गुरुजी का तेज आप पास जाते थे तो आपकी तो मतलब मेरी तो एटलीस्ट माय स्पाइन माय बैक यूज्ड टू गो स्टिफ सो आई जस्ट कुड नॉट इवन लिफ्ट माय हेड नोबडी कुड तो एनीवे मतलब हमने विदिशा को मेरी सिस्टर को ओम पहना दिया एंड एज इट वुड हैपन जैसे गुरुजी के रंग बट वी विद इन 6 to 8 months शी गॉट मैरिड We found a boy. She got married, and because we were insisting, my mother wanted ki iski shaadi ho. Or my mother again had a very unique kind of interaction with Guruji. Jab Guruji Empire Jalandhar Defence Colony 300 number mein hote the, to mere mother wahan se roz nikalte the. She is a doctor, so she used to practice in the cantonment. So every afternoon she would go, and in the evening from a clinic she would come back. वो देखते थे गुरुजी के बाहर जैसे रश होता था गाड़ियां खड़ी होती थी एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वन डे दिस वाज लेट 80s सो शी स्टॉप्ड शी वेंट इनसाइड एंड जैसे आंटी वगैरह भी बता रहे थे पायलट आंटी गुरुजी ने जैसे उनको डांटा मतलब शी वाज स्केर्ड तू कितना आ गई इतने तेन कितने बुलाया चुप आ जा अगले वीरवार आना She came out of what ye kaise guru hai ye wo and she came home and she narrated the entire thing to us. Main tab wohi 12-13 saal ka tha. Main guruji ko dekhta hota tha ki guruji niche office mein aate hote the. Ghar to kabhi aaye nahi the ya hamara connection nahi tha. And so hame bhi wo impression tha bacche the kyunki mummy ne kaha ki aise aise tha. Ab wo jab 2000 mein hum guruji ke saath jude so the entire story had changed altogether. He was somebody totally different. And then he said, before ये जब गले में डलवाया है मेरी सिस्टर के तो कहते हैं अपनी मम्मी नू बुला के लेके आई उन्होंने कहा गुरु जी बुलाते हैं so this was I think in 2001 or 2003 somewhere between that so I told my mother I said गुरु जी बुला रहे हैं she said नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी मेरे साथ तब ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो पता नहीं क्या बोलेंगे मैंने कहा यार जाना तो पड़ेगा now that he's calling you so you better come So anyway, one Saturday we went to Empire State and my mother enters Empire State. Guruji baithe hue hain. Waise hi 400-500 sangat baithi hui hai. And suddenly he looks at her and he says, Oh ji, oh dekho ji, dekho. Oh, Pagal Town di Dr. Rani aagi. Hum Model Town Jalandhar mein rehte the. Toh Model Town ban gaya Pagal Town. Jaise Noida banta tha, no idea. Greater Kailash banta tha, gutter colony. He says, Ah, dekho ji, dekho, Pagal Town di Dr. Rani aagi. Oh, odo aayi si, tu enne 15-20 saal pehla veerwar nu. उतो बाद तू आई ही नहीं हैलो आई भी नहीं की सो माई मदर वॉज क्या करते उन्होंने माथा टेका नहीं नहीं गुरु जी गलती होगी माफी होगी चल इतने बह जाओ उनको अपने साथ बिठा लिया और दिस वॉज फ्रॉम 7:30 till 9:30 टिल लंगर वॉज सर्वड एनीबडी हु वॉज कमिंग इन टू द संगत एनीबडी फ्रॉम द संगत हु वॉज कमिंग इन बाउइंग इन फ्रंट ऑफ गुरु जी आ देखो जी इनू मिलो आ पागल टाउन की डॉक्टर रानी 20 साल पहले आई सी हेलो आई करके चल गई सी वो तो बाद आई नहीं इनू मिलो ही केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड शी डिडंट नो वे टू लुक एंड दिस आई थिंक अ लॉट ऑफ अस एट दैट टाइम हैव गॉन थ्रू यू नो दीज एक्सपीरियंसेस हैव हैपेंड विद अ लॉट ऑफ अस एंड विद इन 6 months माई सिस्टर गॉट मैरिड एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड तो आशिमा को होता था कि वी गॉट मैरिड इन 2005 And this was 2003. उसके बाद गुरुजी को हमने 2004 में जाके मैंने गुरुजी को मैं और आशिमा के मम्मी गए और हमने गुरुजी को जाके कहा मैं गुरुजी ब्याह की डेट कर दो कह दी मैं जी मेरी तू की करना ब्याह करा के मैं गुरुजी तुसी आपे ही तो कहने रहने ब्याह करा ला अच्छा चल फिर 23 अप्रैल नू करा ला सो 23 अप्रैल वॉज द डेट एंड आई वॉज हैप्पी यू नो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड आई सेड थैंक यू गुरु जी एंड मी एंड मॉम केम आउट एंड आई हग मॉम आई सेड मॉम चलो डेट निकाल दी गुरु जी ने एज इट वुड हैपन अगेन जैसे ही आशिमा को फोन किया हमने बॉम्बे हमने कहा 23 अप्रैल आगे से चीज से ये कोई डेट होती है 23 अप्रैल गर्मी कितनी होती है नॉर्थ में मैं नहीं शादी करूंगी 23 अप्रैल मैं कह लो जी हो गया काम So I said, what do you want to do? She says, I want you tell Guruji to give another date. I said, are you out of your mind? I said, you really want to do it? You do it. And she actually took the next flight next morning and she came down to Delhi thinking that she could go to Guruji and tell him ki Guruji vyadi date change karo. But this was
the thought process. You know, she really thought she could do it. So anyway, I put the phone down. I said, good luck to you. I'm not coming with you. So next day she comes in the evening and she walks in. So वहाँ पे एक और पुरानी संगत में आंटी होते थे पटियाला से, तो वो बैठे हुए, ये उनके साथ बैठ गई. तब तक संगत में सबको अनाउंसमेंट हो गई थी भी इनकी शादी की डेट निकल गई, या उस दिन शाम को ही सबको पता लग गया था. एंड कहते आशिमा बधाइयां भी, ब्याह की डेट आ गई. चीजों आंटी ये कोई डेट है बताओ, 23 अप्रैल गुरु जी ने भी क्या डेट निकाली है. कहते तू तो कमली है, तेन तो पता ही नहीं है गुरु जी की डेट कभी कॉमन हो सकती है. सो देन शी एक्सप्लेन्ड इट टू हर कि 2, 3, 23, 4th month and 5th year, 2, 3, 4, 5. So the relevance or the reason is only known to Guruji. And believe me, we got married in Agra, and 29th I think was our reception in Jalandhar, and ladies were using Pashmina shawls. It was so cold. And the best thing was that Guruji's fragrance was there. So Guruji's fragrance being there was now, look at the beauty of Guruji's love and affection, how he loves all of us. When my sister got married, she got married in Dehradun. We went to invite Guruji, as he cards leke gaye. So this was a custom, this was a ritual. Jab bhi kisi ki sangat mein shaadi hoti thi, koi 11 card, koi 21 card, koi 51 card leke jata tha, aur Guruji ke paas charno mein rakh dete the. And Guruji apne haath se likhe wo cards distribute karte the, jisko jisko jana hota tha uski duty lagate the. आप बिलीव करो, जो लोग मेरी सिस्टर की शादी में आई थी संगत, वही संगत मेरी शादी में आई थी, सेम पीपल. और तब भी जब वो आए हैं, मैंने उनको हक किया तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी इन देहरादून. वो जलंधर आए हैं, गुरुजी की फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस. सो मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑल दिस, यू नो, दिस इज हाउ ही वुड जस्ट यू नो मेक अस फील सो लव्ड एंड सो हैप्पी. एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस ऑन गुरु जीज बर्थडे, बट आई नरेट दिस टूडे ओनली. सो वी गॉट मैरिड एंड देन गुरु जी का बर्थडे आ गया. हम लोग अप्रैल में शादी हुई है, वी वेंट फॉर हनीमून एंड ऑल. 7 July वी डिसाइडेड कि गुरु जी को बर्थडे है, तो वील गो एंड विश हिम बड़े मंदिर में. और तब क्या होता था, 5,000-6,000 लोग तो तब भी होते थे, और बहुत ज्यादा लगता था तब, इतने लोग हैं, इतनी लोग हैं, लाइन लगी हुई. अब तो जैसे गुरुजी कहते थे भी लाइना लगी हैं, लगनी है, आज एक्चुअली वैसे ही लाइनें हैं, लाखों में लोग हैं. तो हम लाइन में लगे हुए हैं. हम जलंधर से चले हैं इन दी आफ्टरनून एंड वी रीच अबाउट 10:30. सो वी वर प्लानिंग टू माइग्रेट टू द US दैट टाइम, एंड वी हैड कंक्रीट प्लान्स, देयर वर नो प्लान्स फॉर एनीथिंग एल्स, नथिंग. एंड I walk up to Guruji, और गुरुजी के आसपास फूल ही फूल, फूल ही फूल. सो ये जो दो चीजें मुझे हमेशा गुरुजी की याद आती है कि he loved flowers and he loved listening to these all these Punjabi songs. बहुत मतलब शौक से सुनते होते थे, और flowers तो ऐसे होते थे गुरुजी बीच में होते थे फूलों के. सो जैसे ही हम पहुंचे तो मुझे कहते हैं तू कितों आ गया. सो he always used to talk to me like this. मतलब कंजर तो थले था, मैनू कुछ बुलाते ही नहीं सी. जैसे अभी ये बता रहे थे रिकी जी कि वो कंजरा चल नाच, तो मैंने भी जैसे जाना, मैंने कोई बात करनी, बोला वो तू कंजरा फेर आ गया. दिस वॉज इज वे. अब ये तब कई लोगों को पता नहीं लगता था भी ये गुरुजी ऐसे क्यों बोलते हैं. हमें ये नहीं समझ आती गुरुजी हमारे पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे थे. वेन ही यूज टू ट्रीट अस लाइक दैट, वेन ही यूज टू से थिंग्स टू अस, यू नो, लाइक आई वुड गो टू हिम. एक दिन किसी का कोई काम था तो मैंने जाके गुरुजी के आहिस्ता से, मेरी वैसे हिम्मत बहुत कम ही होती थी कि मैं गुरुजी से कोई बात बोल सकूं, लेकिन मैं हिम्मत करके मैंने कुछ बोला आगे से, और मुझे ही लुक्स एट मी, और तू जा काम कर, यू नो, और सब लोग बैठे हुए बीच में, मैं गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ, और तू जा पीछे चल, और मैं चुप करके पीछे चल गया. और जिसका वो काम था वो अपने आप, इट जस्ट वेंट थ्रू फ्लॉलेसली. एंड वी वर लाइक व्हेन वी वर डेटिंग आई यूज्ड टू ड्रिंक क्वाइट हेवीली. I was a very regular drinker, and one day Ashima goes to him, and I don't know what came into her mind. She walks up to him and she says, "Guruji, ek baat karni thi." He says, "Haan, das." Guruji, ye na pinde bahut hai. And Guruji just changed suddenly. He says, "Tenu kena puchya? Chal puchhe chal ke baith. Vaddi aayi pinde bahut hai." And I was happy to the core. I was floating. Main kaha, ab to Guruji ne mali green jhandi de di. Ab to koi dikkat hi nahi. Ab jitni marzi bhi.
And today it's 2020. We got married in 2005. I left drinking in 2007. And aaj jitne bhi saal ho gaye, 14 saal ho gaye, jitne bhi, I've been sober. I've never touched liquor since then. All thanks to Guruji's meher. So we got married and we went to Guruji's Bade Mandir on his birthday. And kehnde, tu kithon aa gaya? Main, Guruji, tuhanu birthday si, tuhanu wish karan aaya. अच्छा होर कौन आया? मैं कहा मैं ते आश्म आए हैं। कार ते आए हैं तुसी? मैं कार ते। अच्छा होर कोई नाल आया? एज इफ उनको कुछ नहीं पता। मैं कहा नहीं जी असी दोनों आए। अच्छा ये ना तो किशोरी अंकल के ब्रदर इन लॉ की फैमिली आई हुई थी हिमाचल से। सो ही लुक्स एट मी एंड सेज अ किशोरी दी ना चिंगड़ पुंगड़ आई हुई पिंडो। मैं कहा अच्छा गुरु जी इन्हां नूं तू लेके जाना चंडीगढ़। ठीक है गुरु जी, लेके जाएंगा तो मुंडा होगा, नहीं लेके जाएंगा तो कुड़ी होगी। हम दोनों गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, चलो फिर निकलो, ठीक है लंगर करके नच के जाना। हम लोग बाहर आ गए एंड जैसे ही हम पीछे आए बड़े मंदिर के पीछे निकल के हॉल के बाहर, शिगेन जीसस कर दिया ना गुरुजी ने कहा। मैं सारे रस्ते कहती मैं प्रे करती आ रही थी, गुरुजी अभी हमें यूएस जाना है, अभी बेबी वगैरह नहीं चाहिए, अभी कोई बच्चे बुच्चे की प्लानिंग नहीं। और वही चीज कर दी इन्होंने जो मैं मना कर। And this was 7th July and 26th April next year my son was born. And on his birthday, he blessed us with something so beautiful. And main kya matlab hum sab, we cannot thank him enough for his blessings. And Ashima's mom had gone back by then. And unfortunately, in the beginning of 2000, after our marriage, her father was discovered with cancer. So Guruji is saying ki captain ne teri badi seva ki thi, hun tera time hai odi seva karan di. Hame tab thoda sa samajh aaya ki Guruji ne inko wapas kyun bheja Bombay. He was discovered with oral cancer, stage 4. My son was 20 days old when I told her, I said, you take the flight from Bombay, come down to Delhi immediately. We just couldn't stay without taking Devaditya to Guruji. हमारा मन इतना परेशान था कि ये हो गया, गुरुजी ने दिया है, बस इसको मैं ले जाके गुरुजी के चरणों में रखता हूँ। एंड 20 दिन के ये था, आशमा केम डाउन, आशमा मदर वॉज देयर एंड वी वेंट, हमने गुरुजी के चरणों में इसको रखा, गुरुजी ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं गुरुजी ये आ गया, इस मैनू पता है। एंड आशमा पीछे खड़ी थी और ये खड़ी खड़ी रो रही थी एंड मेरे को कुछ नहीं कहा, इसके मम्मी को कुछ नहीं कहा। एंड ही जस्ट लुक्स एट हर एंड वेरी लाउडली एंड स्टर्नली सेज रोनी क्यों है, और की चाहिए तेन, तेरा विआह कराता, तेन मुंडा देता, तेरी भैन नू ठीक करता, तेरे डैडी का कैंसर ठीक करता। ना हमने कभी उनको बोला था कि पापा को कैंसर हुआ है, उसके बाद ना हमारी कोई बात हुई थी। एंड दिस इज वॉट ही सडनली ही जस्ट टोल्ड हर एंड ऑन टॉप ऑफ इट इज चल एक और न्याणा ले जा, एक और मुंडा ले जा। ही सेज एंड शी इज लुकिंग एट हिम कि अभी 20 दिन हुआ है बच्चा, एक और न्याणा ले जा। एंड देन अगेन दिस होल थिंग स्टार्टेड, यू नो देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस व्हिच केप्ट हैपनिंग। एंड आशमाज फादर इज गुरुजीज मेहर, ही इज टुडे ही इज विद अस, ही इज देयर, ही इज लिविंग वेल। And this is something I'll conclude after this. This is very recent what happened abhi. Unki right eye mein bahut zyada dard hona shuru ho gaya tha, aankh band ho gayi thi. And this was in January, February, before corona happened. And he was in acute pain. And they stay in Agra now. And they showed it to a doctor in Agra, 2-3 doctors. And the doctor said ki ye to shayad cancer reoccur ho gaya. And I told Ashima, I said, you take him to Bombay, show him to the same doctor who's attended to him before. She took him there and believe me, the doctor says ki ye to ji story khatam hai, we've reached the end of the road, there's nothing much we can do. Ab to aap ghar leke jao, seva karo. And this was like, I didn't know. I said, Guruji, if this is what it is meant to be, then you know better. But I told Ashima, I said, you bring him immediately to Delhi. There's a doctor in Fortis Noida, Dr. Kabir. And I said, we must show it to him, you know. And she said, no, there's no point showing it. I said, you come down.
सो दे फ्लू डाउन फ्रॉम बॉम्बे एंड इनको लास्ट ईयर एक स्ट्रोक भी हुआ था तो हिज लेफ्ट साइड इज इफेक्टेड ही इज नॉट वॉकिंग वेरी वेल सो देर वर मल्टीपल थिंग्स विच वी वर स्केयर्ड ऑफ कि अभी क्या हो रहा है तो उनके एनी वे वी शोड इट टू डॉक्टर रहमानी डॉक्टर कबीर रहमानी इन फोर्टिस नोएडा एंड ही सेज यार एक काम करते हैं पेट स्कैन कर लेते हैं मुझे आई एम डबल माइंडेड एंड ही वॉज अंडर द सेम डॉक्टर हु हैड ट्रीटेड माई फादर इन लॉ फॉर द पास्ट 15 years एंड पेट स्कैन हुआ है उनका सारा उन्होंने वो स्कैन किया आशिमा ने उनको घर छोड़ा she immediately took the car she went to Guruji's she went to Guruji in Bade Mandir जाके समाधि पे गुरुजी से बैठी है इसने बात की है कि गुरुजी आप अब डिसाइड कर लो कि what is right and what is to be done I leave it up to you ये कह के she came back और next day reports आई है there was no cancer so for us wherever we are whatever we are it is only because of guruji nothing more nothing less nothing beyond nothing after there are no words there are no feelings there's nothing I can how we can thank him enough I think each one of us we should be really 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 thankful to him that he's chosen us as his children He loves us so much. He protects us in every possible way. मेरी तो एक ही अरदास होती गुरुजी अंग संग सहाय आप और हमारी इज्जत हमारी सेहत आपके हाथ में. That I think sums up everything. And he has the best thing about Guruji is ना उन्होंने कभी हमारे से कुछ लिया ना तब कभी लेते थे as आंटी वो saying कि हमें तो कभी गुल्लक होती ही नहीं थी हमें कभी पता ही नहीं था हमें यही नहीं पता था कि ये सिस्टम है क्या ना गुरुजी ने कभी हमें कोई उपदेश दिए ना हमें कोई वहम दिए सिर्फ गुरुजी कहते थे कि मनो है ना अंधे रहा करो एंड एवरी टाइम वी वुड एंड अप बीइंग सो रिच यू नो विद ब्लेसिंग्स लाइक आई लाइक अ फूल एक दिन मैं जाके मैं गुरु जी मैंने चंगी तरह ब्लेस कर दो तो कहते कमलिया होर कि ब्लैस करी था ब्लैस ही ब्लैस ना सो टुडे आई रियलाइज की हाउ सिली वी वर यू नो सेइंग दोस थिंग्स आप कभी नोटिस कीजिए बहुत लोगों ने नोटिस किया है जब गुरुजी के हाथ बड़े पतले पतले होते थे मेरे को तो चलो कभी वो नहीं मिला मेरे से तो दबाव ही नहीं होने थे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी और देर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड द यू नो चांस ऑफ द फॉर्च्यून ऑफ डूइंग इट प्रेसिंग हिज लेग्स एंड हिज आर्म्स फॉर आवर्स और गुरुजी जब प्रसाद देते थे थाल आ जाता था ऐसे पित्तल का उसमें मिक्स होता था और गुरुजी प्रसाद ऐसे देते थे एक हाथ से और आपके दोनों हाथों में प्रसाद भर जाता वो इतनी देर में कहानी हो जाती थी लेडीज की चुन्नी में दुपट्टे में प्रसाद पूरा पूरा भर जाता था और गुरुजी वो ही चार हाथों से उंगलियों से दे रहे होते थे तो ये जो यू नो देयर इज इट इज यू कांट इवन नरेट इट Because it is only how you feel it. So yes, we all must stay within the maryada. Hum jab expect karte hain na, tab hum disappoint hote hain. Kyunki hamari expectation se Guruji ne hume nahi diya. Unhone kabhi bhi nahi diya. Wo pyar mazak, hasi mazak kar lete the. Lekin unhe pata hota tha ki kisko kahan rok ke rakhna hai, kiske liye kya theek hai, kisko bus mein bhejna hai, kisko train se bhejna hai, kiski flight udni hai, kiski nahi hogi. He knew. So today, like as pilot auntie was saying, कि कई बारी कुछ संगत में कुछ ऐसे हो जाता है like I've met a few people, you know, where they've said कि गुरुजी तुहानू तो इन्ना ब्लैस करता है इन्हों के घर सत्संग रखा इन देखो कि ब्लैसिंग मेरे तो कभी सपने च भी नहीं आते Now how do you explain it? What is the explanation for something like this? What do you explain to them? सपने में तो मेरे भी नहीं आते आज अब मैं गुरुजी से गुस्से हो जाऊंगा मेरी औकात ही नहीं है कि मैं गुरुजी से गुस्से हो सकूं मैं सोच ही नहीं सकता लेकिन मेरे मन में गुरुजी बैठे मेरी आंखों पे गुरुजी बैठे आई ओपन माई आईज गुरुजी इज देयर आई क्लोज माई आईज गुरुजी इज देयर विद मी गुरुजी इज प्रोटेक्टिंग ईच वन ऑफ अस व्हाट मोर डू वी वॉन्ट सो थैंक यू अगेन एंड आई जस्ट pray to Guruji that you know we all meet in person very soon which
He only knows when and how and where. So enjoy the journey, enjoy the lovely moments with Guruji, and thank you once again. Jai Guruji.